हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ज्योमेट्री की क्लास और प्रयास करेंगे कि आज पूरा ज्योमेट्री आपको पढ़ा दिया जाए, जो जो परीक्षा में आता है। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेलिंग करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम ज्योमेट्री से करेंगे और पहली जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ लिखा गया है ज्योमेट्री आपको शुरुआत हम करेंगे, तो इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे, रेखा क्या होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि रेखा आप लोग जानते होंगे क्या होती है, परिभाषा पे मत जाइएगा कि रेखा की लंबाई अनंत होती है, यानी जितने भी कंडीशन है लाइन में इसकी लंबाई क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अनंत होने का मतलब है कि इधर भी जाती है इधर भी, ठीक है। तो लाइन के बारे में केवल इतनी ही परिभाषा आप जाने। कई बार तो लिखी रहती है कि लाइन की मोटाई पतलाई से, तो क्या मतलब, अगर इससे मोटा मैं खींच दूं तो वो रेखा नहीं कहलाएगी, कहलाएगी। इसलिए परिभाषा पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी बात, रेखाखंड क्या होता है बच्चे, लाइन सेगमेंट, तो आप जानते हैं, आपको पता ही होगा, क्लियर है। लाइन सेगमेंट से ही हम करते हैं, जैसे हम खींचते हैं कि किसी की लंबाई मान लो 5 मीटर है और इधर 7 मीटर है, ठीक है। तो ए वाला क्या होगा, समझ बात आई। इसी के रूप में एक आपको मिलता है बच्चे किरण, क्या होता है किरण, जिसको आप कहते हैं रेज, क्या होता है रेज। अब रेज क्या होती है, रेज की एक तरफ लंबाई अंत होती है, एक अनंत होती है, यानी एक फिक्स रहता है, एक क्या होगा फिक्स रहेगा और दूसरी तरफ वह क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। बस ये छोटी छोटी जानकारी आपको इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप सवाल लगाने में समर्थ रहें, यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो, ठीक है। एक रेखाएं होती है संरेखीय रेखाएं, कौन सी रेखाएं, संरेखीय रेखाएं, कौन सी रेखाएं, संरेखीय रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होती है बच्चे, दो या दो से अधिक रेखा, दो या दो से अधिक रेखा, लेकिन किस बिंदु में, एक ही लाइन में रहे, ऐसे मान लो ये 3 बिंदु हैं ए बी और सी, दो क्या मैंने कहा संरेखीय रेखाओं में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित हैं तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, संरेखीय रेखाएं। असंरेखीय रेखाएं जब एक ही कंडीशन में ना हो, जैसे मान लीजिए त्रिभुज देखे हैं, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, ये क्या संरेख होंगे, मैंने बताया दो या दो से अधिक बिंदु ऐसे जो एक ही लाइन में हो, एक ही किसमें हो, लाइन में हो, वह क्या कहलाएंगे बच्चे, वह कहलाएंगे संरेखीय, यानी त्रिभुज संरेखीय नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं ऐसे ऐसे हो गई, तो ये कौन सी कहलाएगी, असंरेखीय कहलाएगी। क्या कौन सी कहलाएगी, असंरेखीय कहलाएगी, बोलिए हाँ या ना। बस एक बेसिक सा बता रहा हूं, लाइन समझ पाए, लाइन सेगमेंट समझ पाए, लाइन का भाग, फिर इसके बाद किरण समझ पाए। एक बार पॉइंट बिंदु, एक कन्फर्म रहता है, एक बढ़ता जाता है इनफाइनाइट की तरफ, और असंरेखीय समझे पर एक लाइन रहती है जिसमें दो या दो से अधिक बिंदु हो, दो या दो से अधिक क्या हो बच्चे, बिंदु हो, ठीक है। सीधी रेखा में होना चाहिए, असंरेखीय रेखाएं क्या होगी, सीधी रेखा में नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे अब संपाति, संपाति कोण इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन यह है, एक लाइन यह है, एक लाइन ऐसे मैंने खींचा, कहीं से भी खींचो, एक बिंदु क्या होना चाहिए इसका, उभयनिष्ठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। अच्छा, आपको पता भी होगा उभयनिष्ठ बिंदु होने का मतलब यह है कि इधर भी पूरा कितना होगा, जरा बताओ, इधर भी 180 डिग्री होगा,
और इधर भी पूरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन संपाती पढ़ रहे हैं तो हमको पता है एक बिंदु क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। एक बिंदु क्या होना चाहिए बच्चे, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ होने का मतलब यह है कि हमारे कंडीशन में ये जो सीधी लाइन है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर त्रिभुज पे हम चर्चा करेंगे, त्रिभुज के पूरे प्रकारों पे चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि आगे केंद्रक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परिकेंद्र क्या होती है, तो इस पर चर्चा मैं आपसे करूँगा। ठीक है, पहले यहाँ बेसिक समझते चलते हैं। तो संपाति समझ पाए, एक उभयनिष्ठ बिंदु होती है, ठीक है, जो ए वाली मैटर होती है, और रेखाएं चाहे जितनी आप खींच लो उससे कोई मतलब नहीं। अब संपाति के बाद आप जानो कि कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप एक जानते हैं न्यून कोण, क्या जानते हैं, न्यून कोण, ठीक है, यानी 0-1 से अधिक और 90 से कम। बोलिए, न्यून कोण की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समकोण। समकोण क्या होता है बच्चे, पूरा का पूरा 90 डिग्री के इक्वल होता है समकोण। क्लियर है, कोई दिक्कत? जब हम बात करेंगे अधिक कोण की, जब हम बात करेंगे अधिक कोण की, जब हम बात करेंगे बच्चे किसके, अधिक कोण की, तो अधिक कोण भी हम समझेंगे। देखो बच्चे, अधिक कोण क्या होता है जरा बताइए, तो 90 अंश से अधिक होते हैं बच्चे और 180 अंश से कम होगा, यानी 90 अंश से अधिक होगा और 180 से कम होगा, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अधिक कोण कहलाएगी। क्लियर है, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शेयर कर दो सबको, क्योंकि लंबी क्लास चलने वाली है, तो कृपया आप इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अधिक कोण के बाद एक ऋण कोण कहलाता है, या ऋजु कोण कहते हैं बच्चे इसको, ऋण कोण या ऋजु कोण, जो आपकी ऋण की तरह दिखती है, यानी टोटल टोटल कितने डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री। बस उतने की है आवश्यकता, मैं आपको बताता हूं जितना परीक्षा के माध्यम से आपके वो आता है, ठीक है, मतलब परीक्षा में जितना काम आपका हो सके मैं प्रयास उतना ही करूंगा, ठीक है। हाँ, डिटेल भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, चलिए ठीक है। ये देखिए, ऋण कोण हो गया या ऋजु कोण, ऋण की तरह दिखता है, तो इसलिए कई किताबों में आपको देखेंगे इसको ऋण कोण के भी नाम से जानते हैं, और कहीं कहीं आप जहां पढ़े होंगे शुरू से आज तक वहां पर आप क्या पाए होंगे इसको। और इसी प्रतिवर्ती कोण भी होता है, अब कई जगह प्रतिवर्ती कोण को दिखा गया है कि 180 अंश से अधिक और 270 से कम, और कई कई किताबों में आपको बच्चे टोटल टोटल 360 का दिखा दिया गया है। कितने का दिखा दिया गया, 360। तो मैक्सिमम टाइप प्रतिवर्ती कोण को हम किसको मान के चलेंगे, 360 को, यानी 0 डिग्री। अगर इसका भी नाम करना चाहते हो तो 0 मैटर कर लेना, 0 कोण भी कहते हैं इसको। तो प्रतिवर्ती कोण कहीं कहीं 180 से अधिक और 270 से कम दिखा गया है, उसके लिए परेशान मत होना, लेकिन 360 पे यूज होना। 360 का मतलब बच्चे समझ पा रहे, इस पूरा ये 0 कोण हो गया, क्या हो गया, पूरे की बात इसने कर दी। तो ये तो रहा कोणों के प्रकार पे, अब हम कुछ और कोण पढ़ेंगे, कुछ और कोण पढ़ेंगे। मिडिल क्लास का है सर, हाँ पूरा पूरा पूरा, जूनियर के लिए आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं ज्योमेट्री, जो आपके
जीवन में भी बहुत उपयुक्त है ज्योमेट्री, और आपकी परीक्षा में भी बहुत प्रश्न इस पर आएंगे, क्योंकि आने तो शायद 50 प्रश्न है ना मिडिल में, तो वहाँ आपका काम हो जाएगा। एकदम बेसिक से एकदम धीरे धीरे समझाऊंगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बस बने रहो। ये इसलिए तेज थोड़ा कर रहा हूँ कि अभी तो इसको समझाने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लिखता जाऊंगा तो समझ जाओगे, ठीक है। आप देखिए, ऐसे देखे होंगे दो लाइन मैंने खींचा, जो कोण यह वाला हो यही कोण यह होता, इसका नाम है बहिष्कोण। बहिष्कोण अगर यह वाला कोण x डिग्री है बच्चे, तो यह वाला कोण भी कौन सा डिग्री होगा, x डिग्री ही होगा। अगर इधर वाला कोण बहिष्कोण इसको कहते हैं ना, हाँ, अगर यह वाला कोण x डिग्री का है तो इधर वाला भी कोण क्या होगा। सर नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक ठीक ओके। ठीक है स्नेहा जी, मैं नीचे नहीं लिखता हूं, यहीं तक लिखता हूं, ठीक है। कमेंट आप लोग करते रहिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब, अगर यह 110 डिग्री का है तो यह भी कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये दो लाइन है आपके पास, मैंने माना एबीसी, इसको भी मान सकता हूं मैं एबीसीडी, कुछ भी मान लो, एबीसीडी दो समांतर रेखाएं हैं। एबीसीडी क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। तो अब आप देखो कि समांतर रेखा क्या होती है, इसकी दूरी नियत होती है बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है, नियत होती है, दूरी क्या होगी, नियत होगी। यदि नियत दूरी है तो यह समांतर रेखा को फॉलो करता है, क्या है, नियत दूरी है तो समांतर रेखा को फॉलो करता है। क्लियर है, चलिए, नियत दूरी है तो समांतर रेखा को ये फॉलो करता है, क्लियर है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। अब थोड़ा थोड़ा जहां से प्रश्न बनते हैं धीरे धीरे वहां पर हम पहुंचने वाले हैं, तो आराम से चलेंगे, ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं। चलिए देखिए, ये दो समांतर रेखा मैंने खींचा, ध्यान समझना बच्चे, अब यहां से मुख्य भूमिका होगी आपकी, और इसको एक वर्टेक्स लाइन यानी तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा ऐसे काटती। मान लो एल एम एक लाइन है या ए बी सी डी एक लाइन है, समांतर लाइन है, दोनों पैरेलल है, क्या है, सी डी पैरेलल है, और इसको के रेखा तिरछी रेखा काटती, के एम रेखा तिरछी काटती, तो यह वाला जो बना कोण यह एक होगा, यह वाला कोण मैं मान लिया दो, यह वाला कोण तीन और यह वाला कोण चार, यह वाला पांच, ये वाला छः, ये वाला सात और ये वाला आठ। अब देखिए इस चैप्टर से सबसे मुख्य भूमिका यही है कि अगर इन चीजों को आपको समझ में आ गई तो आप बातें सवाल समझ पाओगे। ये जेड आकृति का एक मैटर होता है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो एक जेड आकृति मैंने बनाया, ये जेड आकृति मैंने बनाया। यहां समझना कि जब हम इस जेड आकृति पर चर्चा करेंगे तो दो बातों का ध्यान रखेंगे, वही बात यहां पर देखना है। देखते हो कि कभी कभी यह बात जो है अगर 40 डिग्री की दी जाती है, बस समझना ऐसे ही कि अगर यह बात आपको 40 डिग्री की जब प्रश्न में दी जाती है तो आप बिना सोचे समझे इसको क्या लगा देते हो, 40 डिग्री लगा देते हैं। इसका क्या रीजन है अभी बताते हैं। दूसरी बात, यदि यही बात ऐसे दे दी जाती है, यही बात इस तरीके का दे दी जाती है और कह दिया जाता है यह वाला एंगल, यह वाला एंगल 200 डिग्री का है, कितने का है, 200 डिग्री का है,
और यह वाला कितने का है? 90 डिग्री का है। तो जरा यह वाली बात बता दो। देखिए मैंने क्या कहा, यदि इस टाइप का, पहले तो इस टाइप का प्रश्न जो, पहले इस टाइप का प्रश्न जो कि इस टाइप का प्रश्न सर वायस सही नहीं है, वायस सही करिए। अच्छा आप ठीक है अनुराग जी, आप ठीक है? आप सही है ना आवाज? चलिए ठीक ठीक। देखिए समझिए मेरी बात, मैं क्या समझाने वाला हूं समझिए। मैंने कहा बच्चे कि देखो सवाल अगर इस टाइप से कभी फिगर बन के आता है तो आप कहते हो कि सर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये कैसा क्यों होता है? तो इस चीज की जानकारी हमको इससे मिलेगी और यहां भी जानकारी हमसे इस चीज से मिलेगी जब हम इस चीज को देखेंगे कि अगर ऐसा भी प्रश्न कभी पूछा गया, ऐसा भी प्रश्न का प्रतिवर्ती कोण अगर ये भी पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इन ये चारों का योगफल इधर का 360 होता है, मैंने बताया 360 होता है। तो अगर ये 200 है बच्चे तो अगर इधर वाला एंगल निकालना हो, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 160 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए इधर वाला एंगल 160 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, मानते हो इस बात को? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना? तो अभी अब इस चीज, इन दोनों चीजों को समझने के लिए, इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम यहां पे चर्चा पहले करेंगे कौन सा कोण संगत कोण होता है, कौन सा कोण एकांतर कोण होता है, ठीक है, कौन किन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, कौन से बाह्य कोण होते हैं, ठीक है, इन चीजों को समझेंगे। तो देखो अंतः वाले कोण समझ में आ गया, बाह्य वाले कोण आपको लग रहा है बाह्य वाले बाहर की तरफ, अंतः वाले अंदर की तरफ है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? चलिए अब देखिए संगत कोण कौन कौन से हैं। तो एक कोण पांच कोण के क्या है? संगत कोण है। वैसे ही दो कोण छह कोण के क्या है? संगत कोण है। यदि संगत कोण की बात करें, यदि मैं किसकी बात करूं, संगत कोण की बात करूं, तो कोण एक कोण पांच के बराबर है, कोण दो कोण छह के बराबर है। वैसे अंदर और से बाहर इससे इससे कर सकते हो, बनाने के लिए बना सकते हो कि कोण चार कोण आठ के बराबर है, कोण चार कोण आठ के बराबर है, कोण तीन कोण सात के बराबर है। किस कंडीशन में? जब यह बच्चे क्या है? संगत कोण है। जब यह क्या है? संगत कोण है। जब क्या है? संगत कोण है, ठीक है। अगर हम बात इसी की, अगर हम बात इसी की एकांतर कोण की करें, किसकी कोण की बात करें? एकांतर कोण की बात करें, तो बताओ एकांतर कोण में क्या है? अगर मैं कहूं कि एकांतर कोण मतलब एक के अंतर में, यानी कोण एक किसके बराबर हो गया? इधर वाले के। कोण दो किसके बराबर होगा? इधर वाले के। समझ में आया? एकांतर कोण का यही रीजन है। कोण चार किसके बराबर होगा? देखो जेड आकृति यही है बच्चे, ये देखो रुके रहो, और इसको वो करता हूं मैं जिससे आप समझ पाओ। ये देखो जेड आकृति मैंने आपको समझाया, देखो जेड आकृति समझो। तो कोण चार किस कोण के बराबर होगा? कोण छह के बराबर होगा। तो कोण चार बराबर होगा कोण छह के। अब यही अपर अगर अपोजिट साइड में कर दूं, इस साइड से और को ब्लैक्स करता हूं थोड़ा ब्लू से, इधर से, इधर से अगर मैं इस बात को करूं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो अगर इस टाइप से मैं करूं तो कोण क्या कोण तीन कोण पांच के बराबर होगा? कहेंगे सर कोण तीन कोण पांच के बराबर होगा, कोण तीन बराबर होगा एंगल पांच के। ऐसे ही ऊपर वाला भी हो जाएगा। अब यहां से हमको सीखना क्या है, यहां से हमको सीखना क्या है, सवाल में कैसे हम इस सवाल को लगाते हैं वो चीज हमको समझना है। हाँ ठीक है।
अब देखिए, और दो बातें, एक बात और दिमाग में रखना कि इस दो अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अभी मैं इसको पूरा डिटेल करता हूं साधारण क्वेश्चन में, आप खुद बता पाओगे कि क्या क्या इस पे मैटर होता है। अब इसके लिए दो बातें आपको जाननी जरूरी होती है। इस लाइन को ऊपर देखिए, एक लाइन मैंने खींचा है, उस पर एक परपेंडिकुलर यह लाइन है, इसे कहते हैं रेखीय युग्म। क्या कहते हैं? रेखीय युग्म। इस बात को भी जानते चले जिससे इस सवाल को करने में आसानी हो। अगर कोई रेखा ए बी है, इस पर मैंने इस तरीके से लाइन खींचा, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो ये 180 अंश के बराबर होने का मतलब समझ रहे हैं? बोलिए कि यानी ये जो लाइन बनेगी यहां से यहां तक, ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है? और अगर 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो अगर एक कोण मान लो 70 डिग्री का है, तो दूसरा 110 होना पड़ेगा। दूसरा 110 होना पड़ेगा। देखो, रेखीय युग्म का मतलब होता है कि इन दोनों कोणों का योगफल x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अच्छा, जरा बताइए कि 180 अंश और कौन सा कोण है जिसके दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है? कोई ऐसे कोण का मान बताइए जिसमें दो कोणों का योगफल 180 अंश हो। बताइए, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, जरा बताएं, कोई बताए। अरे भाई, संपूरक कोण। एक ऐसा कोण है, कौन सा? संपूरक कोण। कौन सा कोण है? संपूरक कोण, जिसके दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, कोटिपूरक और संपूरक पर, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो हम अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, पूरक और संपूरक का। ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। अब इसकी बात हम डिटेल लेते हैं बच्चे, इस जो बातें मैंने यहां पर लिखा उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। देखिए, अब आपको समझ में आएगा, फिर यहां प्रश्नों पे हम चलेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रयास रहेगा कि पूरी थियरी आज आपको डिटेल कर दी जाए, जिससे आप सवाल आराम से लगा लें, कोई दिक्कत आपको न हो। जितनी आवश्यकता आज है मैं वो पूरा बता दूंगा आप लोगों को, पर सब प्रयास यही रहेगा मेरा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने लाइन खींचा, ध्यान समझना सभी लोग, एकदम माइंड यहां पर रखो, बाकी चीजें छोड़ो। ए बी सी डी एल रेखा है। मैंने बताया यह वाला कोण 70 डिग्री है। चलिए, अगर यह वाला एंगल 70 डिग्री है, तो जरा यह वाला बताओ। तो कहोगे सर, ये आपने बताया कि ये पूरा टोटल 180 का होता है। टोटल कितने का होता है? 180 का होता है। कितने का होता है बच्चे? 180 का होता है। हाँ, पूरक तो 90 का होता है। हाँ विकास कुमार, पूरक 90 का होता है, संपूरक 180 का होता है। पूरक तो 90 का होता ही है, पूरक और कोटिपूरक एक ही नाम है बच्चे। पूरक और कोटिपूरक जो नाम है वह अल्फा प्लस बीटा यानी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, और संपूरक जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, अगर यह बात 70 की है, तो अब जरा इधर बताओ ए वाला कितना होगा। अब यह भी एक सीधी लाइन है, ध्यान देना बच्चे, यह भी क्या है? एक सीधी लाइन है, इस टाइप से देखो, यह भी इस टाइप से एक सीधी लाइन ही है। तो बताओ, इन दोनों अगर कोण की बात मैं करूं, तो क्या यह भी 180 अंश के होंगे क्या? तो जब यह 110 हुआ तो ये कितना बचा? 70। और जब यह 70 हुआ तो ये कितना हुआ? 110। अब देखो, कहने का मतलब यह बहिष्कोण ही तो है। यह क्या है?
बहिष्कोण ही तो है। अगर अब मैंने बताया इन दोनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश के बराबर होता है, यानी अगर यह 110 है तो यह कितना होगा, 70 होगा, और अगर यह 70 होगा तो 70 और 110 कितने कोण के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा, यानी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बोलिए क्लियर है। चलिए अब अगर यह 70 डिग्री है बच्चे तो यह कितनी हो जाएगी जरा बताओ, तो कहोगे सर 110 डिग्री हो जाएगी, और अगर यह 110 डिग्री हो गई तो यह कितना होगा, 70 हो जाएगी, अगर यह 70 हो गया तो यह कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ संगत कोण के नाते यह कोण और यह कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ, संगत कोण के नाते देख के बताओ, वहां तो मान लो 1 2 3 4 5 था दिक्कत हो रही थी, यहां पर बताओ इसके संगत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हो गया, यहां पर देखो संगत हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो। अब रही बात एकांतर की, तो देखो इधर वाला इधर के बराबर है और इधर वाला इधर के बराबर है, ये देखो इधर वाला किसके बराबर है, इधर के बराबर है, और इधर वाला किसके बराबर है, इधर के बराबर है, तो एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ जरा बताएं, इधर वाला 110 इधर वाले 110 के बराबर है एकांतर कोण के नाते, इधर वाला 70 इधर वाले 70 के बराबर है एकांतर कोण के नाते। तो कुछ बातें समझ में आई, अगर रेखाएं पैरेलल है, अगर रेखाएं क्या है बच्चे पैरेलल है, तो अब सवाल के प्रति मैं थोड़ा सा वो रहूंगा कि आपको समझ में आए, तो थोड़ी छोटी सवाल लेकर चलता रहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे सवालों को हल हम करेंगे परीक्षाओं में। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, वेरी नाइस क्लास सर, धन्यवाद बच्चा धन्यवाद। बोलिए बातें इस यहां से समझ में आई होगी आप लोगों को, अभी तक यह 1 2 3 4 तो किताबों में भी लिखा था बच्चा, यहां पे मैंने अंकों को लेकर आपको समझाने का प्रयास किया कि कई बार इस अंदर का कोण दे दिया जाता है एक को तो दूसरे का निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, तो आप लोग यह नहीं जानते हैं कि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है, तो पूरा निकालने लगते हो, बस जाते हो या निकाल ही नहीं पाते हो, तो उस चीज को आप निकाल लोगे अब अंतर में, अगर अंदर है तो देखो 180 मिलेगा और यहां पर भी बच्चे क्या मिलेगा 180 ही मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात। देखिए कोटि पूरक कोण कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, अच्छा धन्यवाद। ये देखिए कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं बच्चे इसको, क्या कहते हैं, जो आप अभी कोई पूछा था ना कि सर ए होता है बच्चे, कि अगर कोटिपूरक और पूरक एक ही नाम है, कंप्लीमेंट्री कोण एंगल, क्या नाम है इसका, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक दो कोण होते हैं, तो एक कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कोटिपूरक या पूरक, इसी का नाम कोटिपूरक बच्चा है, इसी का नाम संपूरक भी है, क्लियर है, संपूरक और कोटिपूरक इसी का नाम है, इससे गड़बड़ी मत होना। यहां पर दो कोणों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, अगर पहला कोण अल्फा मान लिए बच्चे तो दूसरा कोण 90 माइनस अल्फा मानना पड़ेगा, अभी सवाल में जब हम इसको यूज करेंगे, अभी तो सवाल कराएंगे आपको, पहले थियरी का प्रयास रहेगा कि आप सब जान जाओ, सवालों में तो आप कर ही लोगे, अगर नहीं आता है तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन पहले मेरा कार्यक्रम यह होगा कि आपको पूरा का पूरा समझाया जाए, पहला कोण यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, अगर अल्फा प्लस बीटा अलग अलग है तो, अगर एक ही है कोई एक वैल्यू दी गई है तो प्रथम कोण अगर अल्फा मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा पढ़ा है सर, क्लास रिकॉर्ड रहेगी क्या, हाँ क्लास बच्चा वंदना रिकॉर्ड रहेगी,
हां समझ में आता रहे उसी लिए तो पढ़ा रहा हूं बच्चे, केवल समझ में ही आता रहे इसीलिए मैं इतना पढ़ा रहा हूं आराम से। जल्दबाजी कोई नहीं है मुझे, आपको भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चे, जैसे अगर मुझे कभी पूरक या कोटि पूरक पूछा जाए, तो अगर 40 का कोटि पूरक कोई पूछ दे, देखो 40 का कोटि पूरक, 40 का कोटि पूरक, तो आपको पता है 40 और दोनों का योगफल 90 होता है, यानी 90 बनाने के लिए हमको कितने की जरूरत पड़ेगी, 50 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। यानी 40 का जो कोटि पूरक है, 40 का जो कोटि पूरक है वह कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि 70 का, अगर कोई पूछता है 70 का बच्चे कोटि पूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 70 का कोटि पूरक कितना होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोटि पूरक 90 का होता है मेरे बच्चे, अगर कोटि पूरक 90 का होता है तो हमारा ये पता है कि प्रथम कोण अगर 70 का होगा तो द्वितीय कोण कितने का होगा, 90 माइनस 70 का होगा, और 90 माइनस 70 कितना होता है, 20 होता है। क्लियर हो गई श्वेता रघुवंशी, 20, विपिन यादव 20, शाबाश शाबाश। वंदना सेगल लिखी है, सर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, हमारे ज्यामिति का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, एकदम एकदम आज अच्छा से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मेरा प्रयास रहेगा आज तक आपने जो चीज नहीं सीखा है वो सिखाने का भी मैं प्रयास आपको करूंगा, केवल आपने देखा होगा, सीखा नहीं होगा तो उसको भी मैं बताऊंगा ये चीजें कहां से आ जाती हैं, क्यों आप परीक्षा में प्रश्न आने पे छोड़ देते हो प्रश्न, तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी देखने को आज। विपिन यादव 20, कल्पना सरोज 20, राघवेंद्र 20, अच्छा सभी ने 20 सही बताया, आप समझिए, यानी मैंने कहा कि अगर बता दो एक कोण, ये सब क्या है, जैसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है इतने का कोटि पूरक का संपूरक क्या होगा, जैसे मैं कहूं कि 40 के कोटि पूरक का संपूरक क्या होगा, बात समझिए, तो आप क्या कहेंगे 40 का पहले तो कोटि पूरक निकाल लो, तो कोटि पूरक हो गया, कोटि पूरक बच्चे 50 हो गया, अब 50 का संपूरक, तो संपूरक होता है 180 डिग्री, संपूरक कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो जब संपूरक 180 डिग्री होता है यानी होगा कितना बचा 130 डिग्री, तो आप उत्तर डायरेक्ट मार सकते हो, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि इतने के कोटि पूरक का संपूरक क्या होगा, इतने के कोटि पूरक का संपूरक क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अच्छा 40 का कोटि पूरक, तो सर बताए थे 40 का कोटि पूरक दोनों का 90 होता है तो 50 बचा, और संपूरक 180 बताए थे तो 180 का कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि 50 तो निकाल ही चुके हैं। बोलिए, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चे। वेंकटेश यादव, कल्पना सर सही है बच्चे आप सभी लोगों का। राधे श्याम, 50 डिग्री का संपूरक भी पूछा गया है ना, तो संपूरक भी बताइए, तो संपूरक 180 का होता है, तो 130 बच्चा सही सही सही, सबका सही है, एकदम राइट, क्लियर हो गया। अगर जैसे यही देखिए 70 का कोटि पूरक या पूरक 20, तो इसका संपूरक, तो आप जानते हैं संपूरक होता है 180 डिग्री का, यानी बचा कितने बच्चे, तो 160 डिग्री, तो लगाने की जरूरत मुझे पड़ी, जरा बताओ क्वेश्चन को लगाने की आवश्यकता पड़ी, थियरी को पढ़ के अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे आसानी से, कुछ भी नहीं है। चले आप संपूरक तरफ, तो देखो अगर एक कोण अल्फा मान लिया गया, अभी कहेगा इसका 5 गुना हो जाएगा, सवाल में कहेगा यदि किसी कोटि पूरक, हाँ ठीक, उसका कितना गुना हो जाए, 5 गुना, तो हमें भी करेंगे अल्फा बराबर 5 गुणे 90 माइनस अल्फा, पहले थियरी को लेकर चलूंगा जिससे आप लोग सवाल लगाने में समर्थ हो जाए, उसके बाद कुछ सवालें भी हम कराएंगे आपको, जो परीक्षा के उद्देश्य है, बहुत टफ क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं रहता, कितना टफ करा दूं कि आप लोग देख के ही परेशान हो जाओ, ऐसा कोई सर आप प्राइमरी सुपर टेट बैच 3 से क्यों निकल गए, नहीं मैं निकला कहां था, नहीं मैं निकला नहीं था बच्चे,
प्राइमरी का तो पढ़ाया था शायद सुपरटेट में, पूछ लीजिए जानकारी रही है इसके बारे में मुझे तीसरी बैच की। अब देखिए बताइए किसको किसको कंफर्म हो गया कोटि पूरक। अब हम चर्चा करेंगे किसका, संपूरक का। संपूरक कोण अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। आप लोग एकदम कमेंट करते रहिएगा जिसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो, थोड़ी सी भी जिसको बच्चे दिक्कत हो कमेंट करते रहिएगा। अगर मान लो यहां पर प्रथम कोण यदि आपका क्या हो गया अल्फा हो गया, तो दूसरा कोण क्या मानना पड़ेगा बच्चे, 180 माइनस अल्फा मानना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। और ये अल्फा बराबर 180 माइनस बीटा मान सकते हैं, यानी वही सज्जा घटा देंगे। तो ये दोनों चीज आपको प्रश्न लगाने में बहुत हेल्प करेंगे बच्चे, ये दोनों बातें आपको प्रश्न लगाने में बहुत हेल्प करेंगे, ये चीज आप कन्फर्म रहे। जब हम क्वेश्चन का यूज करेंगे, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत ही यूजफुल होंगी जहां पर संपूरक और कोटिपूरक कहा जाएगा। कभी कभी कोटिपूरक दे देता है 59 डिग्री है, ऐसे 59 60 मिनट और इतने सेकंड का निकाल लो, तो 90 को भी बच्चे आप लोग 89, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा, हालांकि वो चीज आपको जानने की जरूरत है अभी मैं बताऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। केवल इतनी बात आप दिमाग में रखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बातें आपके भेजे में घुस जानी चाहिए, जिससे आज के बाद ज्योमेट्री का डर जो तुम लोगों का है कि अगर 5-6 प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोग छोड़ देते हो कि ज्योमेट्री तो आती ही नहीं, वो चीज खत्म हो जाए। बोलिए चलिए, तो ये तो रहा। अब मैंने कुछ सवाल लिए थे बेसिक सा, उसकी चर्चा मैं अब करता हूं। मैंने ये लिया था आपके पास एक सवाल बच्चे कि अगर मैं जेड आकृति की कोई आकृति इस तरीके से सेट किया हूं, ये लिया मैंने, कहा ये 40 डिग्री है, तो मैं इसको भी क्या लिखता हूं 40 डिग्री। क्यों बच्चे, एकांतर कोण की नाते, कौन सा कोण है एकांतर कोण, कौन सा कोण है एकांतर कोण के नाते, क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं इस बात को ऐसे भी लिखा, याद आया होगा अभी प्रश्न मैंने शायद ऐसे कुछ बनाया था और लिखा था कि अगर ये कितना है 90 डिग्री और ये कितना था 200 था क्या शायद, कुछ भी ले लो आप, उससे नहीं मतलब है, ए वाला कोण निकाल दो, बोले बच्चे। अब देखिए दो बातें यहां पे दिमाग में आपको रखना है, कंफर्म हो गया सर जी, ठीक ठीक कंफर्म ही होना चाहिए है ना। अब इस बात को आप समझो, देखिए पहले तो अगर इस डायरेक्ट जान जाओगे, डायरेक्ट भी अगर जानते हो तब भी सही है, अगर नहीं भी जानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे प्रश्न जब परीक्षाओं में बनते हैं तो आप तो देखे तो रहते हो कि सवाल तो ऐसा देखा गया है, लेकिन कर इसलिए नहीं पाते हो कि यहां 200 है यहां 90 है, तो क्या करोगे बच्चे, मैंने बताया कि इसके बराबर समांतर रेखा खींच दो, बोलिए समांतर रेखा मैंने खींच दी है। अब मैं इस जेड आकृति को पढ़ा था, किस जेड आकृति की बात मैं कर रहा हूं, देखो ये लाइनिंग मैं कर रहा हूं, ये लाइनिंग मैं कह रहा हूं, जरा बच्चे ये बताओ अगर यह 90 का है तो यह भी कितने का होगा, 90 का होगा, ए वाला केवल, यहां से 200 मैं हटा देता हूं, अभी इधर समझ के लिए आपको लिख देता हूं कि टोटल कितना था 200, तो जरा ये बताओ ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री का होगा या नहीं, हम्म, 90 का होगा, कंफर्म है, देखो 90 होगा। अगर बच्चे ये वाला 90 डिग्री का हो गया, ये वाला 90 का हो गया, तो क्या मैंने बताया था एक रेखीय युग्म कोण, ऐसे देखो अगर यह 90 का होगा बच्चे तो ए वाला कितने का होगा, 110 का होगा या नहीं,
सर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिएगा प्लीज। स्नेहा 90, कल्पना 90, वंदना सिंगल 110। डी 110 होगा, वो तो बात समझ में आई। पहले ये बात समझ जाए बच्चे, ये बात क्लियर है कि ए वाली 110 हो जाएगी। और एक आज मेरा केवल इतना मंतव्य है कि जिन लोगों को ज्योमेट्री से डर लगता है, चाहे वो कितने भी वीक बच्चे हों, उनके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आज मेरा काम यही है केवल कि जो बच्चे एकदम जीरो हैं ज्योमेट्री में, उनको मेरा बताने का प्रयास है, ठीक है। और जिनको आती है उनको भी अभी ऐसे ऐसे चीज में बताऊंगा जो वो लोग नहीं पढ़े होंगे या देखे होंगे तो चीज समझ में नहीं आई होगी बच्चे, तो इसे इसके लिए प्रयास मेरा रहेगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें आज की क्लास में, मैं एकदम आराम से पढ़ाने के मूड में हूं और आप भी एकदम आराम से मेरे साथ पढ़ने के मूड में बने रहिए, ठीक है। चलिए मेरे पास है मोबाइल, यहां पर मैं दिख रहा हूं स्क्रीन पर कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, मैं लाइव हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछे, मेरे बताने का मतलब बस समझिए। अगर बच्चे यह 90 है तो क्या यह बचा हुआ 110 सॉरी 90 होगा भाई, 180 होता ना, तो क्या यह 90 होगा क्या, बोलिए क्लियर है। तो अब यहां पर 90 नहीं दिया था, यहां पर बच्चे टोटल दिया था 200, यानी यह वाला अब कितना बचा 110 डिग्री। यह वाला कितना बचा, टोटल दिया था 200, इतना तो हमने निकाल दिया 90, तो यानी बचा कितना यह वाला 110 डिग्री बचा। अरे हां यार ना, 110 डिग्री बचा। तो अब इस जेड आकृति में देखो, उल्टे वाले में ये ब्लैक समझ लेता हूं, इस जेड आकृति में देखो, अगर यह 110 है तो एकांतर कोण के नाते यह भी बच्चे कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। बोले नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक, सबको समझ में आ गया, यस सर यस सर, सबको समझ में आ रहा है, यस सर। लाइव 63 लोग हैं और कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए हम पीडीएफ आपको देने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ पूरा दे देंगे, प्रयास मत रहिए आप, पूरा देंगे, ठीक है। पहले यहां पर जो आज समझाया जा रहा है वो आप समझने का पूरा प्रयास करें। चलिए आप देखिए बच्चे, कई बार यह बातें, जी सर ओके सर, सुपर टेट पेड ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप टू में, ठीक है ठीक, वो डाल देंगे सर, डाल देंगे, परेशान मत होइए आप लोग। नगीना यादव बताएं, फिर से बताएं सर, फिर से बता दे रहा हूं बच्चा, फिर से बता दे रहा हूं, ये देखिए, मैंने बताया कि एबीसीडी लाइन है, यह वाला एंगल कितना दिया गया था, 90 दिया गया था, यह एंगल कितना दिया गया था, 200 दिया गया था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो यह और यह दो अंतर वाला कोण का योगफल जो होता है इस बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है, पहली बात। लेकिन यदि आपको यह बातें पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो मैंने बच्चा बताया कि आप कुछ करना नहीं है आपको। दिलीप वर्मा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चा, वंदना सेगल लिखी है सर आपका पेड ग्रुप प्राइमरी के लिए प्राइस क्या है, ये सर वहीं बात कर लीजिए आप, ऑफिस वाले नंबर पर ही बात कर लीजिए। सर ऑफलाइन वाले भी हैं क्या, नहीं नहीं कोई नहीं बच्चा, मैं लाइव हूं और स्टूडियो से हूं तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं।
ठीक है। चलिए देखिए अब यह कितना है बताएं, 90 और यह बच्चे कितना है 110, तो दोनों को जोड़कर कितना हो गया 200। लेकिन भाई हमको मान लीजिए बातें पता नहीं है 110 ऐसा होता है तो क्या करोगे, जो नियम आप पढ़ के आए हो उसी के समांतर, इसी के समांतर, ए बी के समांतर एक रेखा यहां से खींच लो। तो देखो यह जेड आकृति की बनी कि नहीं, तो जेड आकृति मैंने आपको बताया कि अगर यह 90 है, अगर यह 90 है तो एकांतर कोण के नाते यह भी कितना होगा 90 होगा, लेकिन टोटल तो 200 था, टोटल कितना था 200 था, तो ये बचा होने वाला कितना हो जाएगा जरा बताओ, तो ये बचा वाला हो जाएगा 110 डिग्री। कोई पूछा था ना कौन थे, हाँ नगीना यादव जी बताएं, समझ में आता कई बात कमेंट करते रहिए, यहां तक बातें समझ में आएगी नहीं। चलिए देखिए क्या मैंने बताया कि अगर यह 90 है तो यह भी 90 होगा एकांतर कोण के नाते, लेकिन टोटल जो एंगल था बच्चे क्या था, टोटल जो एंगल था वह कितना था 200 था, टोटल एंगल कितना था 200 था। तो अगर बच्चे 200 था तो ये 90 निकाल दोगे तो ये कितना बचा 110, ये कितना बचा 110। जरा हमको ये बताओ अगर यह वाला 110 बचा, यदि यह वाला 110 बचा तो क्या यह भी एंगल 110 होगा, क्या यह भी तो एकांतर कोण होगा, अगर यह वाला एंगल 110 बचा तो क्या यह भी 110 ही बचेगा क्या, हां या ना कमेंट करिए जल्दी से, हां या ना। कमेंट करिए, गाना चल रही है सर, आवाज आ रही है उसकी, वो कहीं बाहर बज रही है, उससे आप परेशान ना होए। समझ में आ गया, चले आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, 110 ही होगा, हाँ एकदम सही 110 ही होगा। हाँ यार नगीना यादव जी को समझ में आ गया, ठीक है बच्चे अब समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसे कंडीशन में कभी भी ऐसा, अभी प्रश्न में कराऊंगा वो बात अलग है, पहले मेरा कार्य मैं बता दिया कि मैं थियरी को समझाते समझाते आपको ले चलूंगा, जिससे आपको छोटी छोटी बातें जो जरूरी होती हैं गलत हो जाती हैं, कभी कभी वो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप प्रश्न नहीं कर पाते हो, जब तक आप थियरी उसकी मजबूत नहीं करोगे प्रश्न करने में परेशानी होती है। देखो क्या है, ज्योमेट्री हम 10 में पढ़े रहते हैं, रेखागणित तो हम 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है उन चीजों का अवलोकन हम नहीं कर पाते। ठीक है ओके ओके। नगीना यादव नहीं, क्या नहीं मैम बताएं जरा, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, ये फिर से नहीं समझ में आया कि, चलिए इस पे एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं कुछ दूसरा, इसी आकृति का ले लेता हूं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 70 डिग्री का है आपके पास, यह एंगल आपको निकालना है, यह मान लीजिए मैं कह दूं 140 डिग्री का है, तो आप कहेंगे सर 70 और 70 जोड़ के कितना हो जाता है 140। डायरेक्ट जो लोगों ने समझ लिया है वो तो डायरेक्ट 70 मारेंगे और निकल लेंगे, डायरेक्ट जिन लोगों ने लिखा है वो तो 70 मारेंगे और क्या करेंगे निकल लेंगे, क्योंकि टोटल 140 है यहां वाई कोण और यह 70 है, तो यह भी कितना होगा 70 होगा। अच्छा नगीना यादव कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक, मैं सोचा प्रॉब्लम है अभी नहीं समझ में आया। ये देखिए एक बार और समझा देता हूं, तब अगर यह 70 है तो एकांतर कोण के आते यह 70 होगा, टोटल 140 था तो 70 निकालोगे बच्चे तो यह भी 70 हो जाएगा, अगर यह 70 है तो यह भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। अब जरा
40 डिग्री एक कोण मैं दे दिया, अगर 40 कोण ए वाला डिग्री मैं दे दिया बच्चे, तो जरा बता दो ए वाला क्या होगा, जरा ये बताओ। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ गिरिराज जी, मुझे समझने में दिक्कत हुई, आप नहीं लिखी थी इसलिए मैं ओ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो अच्छी बात है ना, समझ में आए। बस आज की क्लास केवल समझ के लिए, पूरा का पूरा प्रश्न करना है। 140 140 140 140। हाँ देखिए बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि सर ने बताया कि अंदर का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अरे हाँ या ना, 110 कौन लिखा भाई, सर ने बताया कि भाई साहब अंदर के दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अगर यह 140 है तो यह कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा बच्चे ना, 110 किसने लिखा था। अच्छा अच्छा, ओम गणिताय नमः। हाँ ओम गणिताय नमः, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आप लोगों को आना चाहिए बस। सतीश सिंह 180 कैसे, समझिए। अगर मान लीजिए मुझे ये चीजें अंतः कोणों का योगफल नहीं पता है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, ये तो सीधी लाइन है, इस पर 180 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 140। अगर ये 140 बनेगा ये कितना बनेगा, 40। अगर ये 40 बनेगा तो फिर ये कितना बनेगा, 140। अगर ये 140 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 40। अगर ये 40 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 140। और ये भी कितना बनेगा, 40। और ये 140। अब जो निकाल लो, यही वाला एंगल निकालना था, तो हमारे पास कितना आ गया, 140 डिग्री। बोलिए अब तो आप इसे लगा सकते हो यार। सर जी टाइपिंग मिस्टेक, ओह कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अंदर के कौन दो का योग, ए वाले, चाहे इधर वाला अंदर का दो योग कर ले चाहे इधर वाला, दोनों 180 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अरे आप पे अभी प्रश्न दिए होंगे आप लोग, तो उसमें पेपर में आया भी था शायद ऐसा एक प्रश्न, जहां शायद 110 उत्तर अभी आया था ना घटाने के बाद, और जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो उसमें प्रश्न था आप लोगों में, तो मैंने कराया था डायरेक्ट, उसके बेसिक को भी मैंने बताया था और वैसे भी मैंने करा दिया था। बोलिए कंफर्म हो गया, चले आगे। तो देखिए इससे ज्यादा रेखा और कोण में कुछ नहीं बच्चे, अभी मैं इस पे सवाल आपको कराऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी सवाल भी मैं इस पे क्या करूंगा थोड़ी देर बाद कराने का प्रयास करूंगा कि आप सवाल को कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा यहां तक बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक आप बताएंगे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी यहां पे बताएगा हमको कि किसी जगह कोई प्रॉब्लम है किसी किसी को, कमेंट करिए। कमेंट करिए भाई, किसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, चले आगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, दिक्कत को भी अंग्रेजी लिख दे रहे हैं आप। हाल क्लियर हो गया ना। अच्छा ये बताओ, एक बार बताओ आनंद आ रहा है, एक बार आप लोग बताओ जरा आनंद आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। चलिए बच्चे शुरुआत करेंगे
रेखा और कोण के बाद हम ट्रायंगल का किसका शुरुआत करेंगे, त्रिभुज का। किसका शुरुआत करेंगे बच्चे, त्रिभुज का। तो अभी तक तो हमने पढ़ा रेखा क्या होता है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, परिभाषा में बहुत बार अपवाद भी रहता है रेखा में कि उसकी लंबाई अनंत होती है, मोटाई नहीं होती है, फलाना ढिकाना जो है कुछ इससे मतलब नहीं आपको, ठीक है न, तो आपको रेखा की परिभाषा वो पूछेगा। रेखाखंड आप जानते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेज मैंने आपको बता ही दिया, रे क्या होता है, संपाती क्या होता है, संरेखी क्या होता है, असंरेखी क्या होता है। तो जिन चीजों की हम कल्पना अब करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उनकी बात है संरेखी की कि असंरेखी की, असंरेखी की। संरेखी क्या होती है, दो या दो से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा में हो वो क्या कहलाएंगे, संरेखी कहलाएंगे। और राम न मिलेंगे श्याम के बिना, ये आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये तो सही बात है। तो ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, ये भी तो दिमाग में रखो, ठीक है। गाने पे ध्यान, भजन की आवाज आया तो, भजन की आवाज आया तो अच्छा ही है। मैथ पढ़ते समय अगर भजन बजता है तो और आनंद आता है पढ़ने में, ठीक है कि नहीं। चले तो हम शुरुआत करेंगे किसकी, ट्रायंगल की। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, यानी त्रिभुज में मिनिमम कितनी भुजाएं होनी चाहिए। अच्छा जरा बताओ, दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति, हमको जरा बताए, दो भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति बनेगी। हाँ, तीन भुजाओं से ना, दो भुजाएं से मिलकर कुछ नहीं बनता, तो त्रिभुज बनने के लिए कितनी भुजाएं चाहिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बच्चे, त्रिभुज कहलाती है। एकदम दिमाग गाने से हटा के अब आप त्रिभुज पे लगाए बच्चे, रेखा और कोण की बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो मैं आगे चलूं। हाँ या ना कमेंट करो, आगे चलूं त्रिभुज पे, आप लोग हाँ या ना कमेंट करिए। कैसे लाइव आप लोगों का कम होता जा रहा है, जब आनंद आ रहा है तो, और बढ़ना चाहिए, घट रहे हैं, बढ़ाइए और बढ़ाइए। चलिए तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति बच्चे क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ए बी सी एक त्रिभुज है, तेज से आवाज, अरे बच्चा ये गांव के उस पार बज रहा है, वहां से आवाज आ रही है, यहां नजदीक का नहीं है मैटर ये, ठीक है। आप समझिए, ए बी सी एक त्रिभुज है और ए के सामने भुजा जब भी हम मानकर चलेंगे बच्चे तो स्मॉल ए मानेंगे, ए के सामने जब भी हम भुजा मानकर चलेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं बच्चे, इधर दिमाग लगाओ, ए के सामने जब भी हम मानकर चलेंगे स्मॉल ए मानकर चलेंगे, बी के सामने जब भी हम मानकर चलेंगे स्मॉल बी मानकर चलेंगे, और सी के सामने जब भी हम मानकर चलेंगे मेरे बच्चे वहां पर भी हम सी मानकर चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे, सी मानकर चलेंगे। यानी ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी, ठीक है। स्मॉल के मतलब इस ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने भुजा
स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी। क्लियर है? आप देखिए, पहले तो ये बच्चे दो बातें, पहली बात त्रिभुज बनता कैसे है। अब डायरेक्ट योगफल तो आप लोग जानते हो कि ये योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। अब रेखा और कोण पढ़े हो तो उसे पता भी कर सकते हो कैसे होता है, वो अभी चर्चा लेता हूं मैं। पहले इस बात बताओ, पहले तो त्रिभुज बनने के नियम क्या होते हैं? तो त्रिभुज बनने का नियम होता है कि दो का योगफल जो है, दो भुजाओं का तीसरी से सदैव क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से क्या होना चाहिए? कई बार तो इससे भी प्रश्न पूछा, अभी पूछा गया था इस बार, शायद यूपी टेट में इससे प्रश्न आया था। तो ए प्लस बी यानी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होता है। यहां लिख देता हूं, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बच्चे क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप हम बताओ, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा ठीक, देखिए ठीक है, तो क्या लिखा बच्चे? दो भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव बड़ा होना चाहिए। तो b प्लस सी बड़ा होगा किससे? a से। और c प्लस a बड़ा होगा किससे? b से। तो ये तीन कंडीशन तो आपके माइंड में सदैव रहनी चाहिए, ये तीन कंडीशन तो आपके माइंड में सदैव रहनी चाहिए कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। ये त्रिभुज का निर्माण या त्रिभुज बनाने के नियम, इन तीन कंडीशन को जब फॉलो करेगी बच्चे, इन आइसोसेलाइज्ड, अरे बच्चे अभी तो मैंने विषमबाहु समबाहु की चर्चा ही नहीं किया है आपसे, अभी तो केवल त्रिभुज बनाने के नियम की चर्चा मैं बच्चे कर रहा हूं। हाँ ठीक है आइसोसेलेसिस, लेकिन अभी मैं आपसे केवल केवल और केवल विषमबाहु की बात नहीं किया, मैंने केवल आपसे त्रिभुज बनाने के नियम पर चर्चा की कि त्रिभुज बनता कैसे है। अभी न तो मैंने आपसे बताया आइसोलेसिस क्या बनेगा या इक्विलेटर क्या बनेगा, इन सब चीजों की मैंने अभी आपसे चर्चा ही नहीं की है बच्चे सैयद हुसैन। केवल मैंने इतनी बात की है कि त्रिभुज निर्माण कैसे करोगे। देखो, अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो त्रिभुज का निर्माण होना संभव नहीं है। जैसे यदि मैं कार्य बताता हूं आपको, मैं यदि ए बी सी डी इस तरीके से लिख दूं, मान लीजिए मैं इस लाइन को दो ले लिया, तीन ले लिया, पांच ले लिया, मैंने कहा कि ए लाइन मैंने दो खींचा या ए लाइन मैंने पांच ही खींच दू, पांच सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दिया, दो इधर खींच दिया, दो यहां तक गया और तीन यहां तक आया, तो क्या बताओ इससे किसी त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा? जैसे देखो, ए मान लीजिए मैं तीन मान लिया और ए मान लीजिए मैं दो सेंटीमीटर मान लिया, भाई इससे तो सदैव ये वाली लंबी लाइन होगी, तभी तो जाके मिलेगी। बोलिए, सदैव इससे तो लंबी होगी तभी तो जाके मिलेगी। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि अगर यह बात है तो क्या इसके साथ यह भी बात हो सकती है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस हो, यदि इन दोनों का क्या हो बच्चे, डिफरेंस हो a माइनस बी, तो a तो बड़ा हो जाएगा c से, इससे ही निकाल रहा हूं। अगर इन दोनों का डिफरेंस हो b माइनस सी, इससे बड़ा हो जाएगा ना,
बड़ा हो जाएगा किससे, a से। अगर इन्हीं दोनों का डिफरेंस c माइनस a हो तो a भी किससे बड़ा हो जाएगा, b से। इसी से बात निकली है ये वाली भी कि अगर दो कोणों का योगफल तीसरी से बड़ा होगा तो यह भी संभव है कि दोनों का अंतर से तीसरा कोण बड़ा हो जाएगा, दोनों के अंतर से तीसरा कोण बड़ा हो जाएगा। गोयल एकेडमी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है बच्चे, स्पीड कर रहा हूं, धीरे धीरे करूंगा कि कर रहा हूं बच्चे, परेशान मत हो। आप बताओ क्या a माइनस बी बड़ा होगा c से, क्या b माइनस सी बड़ा होगा a से, c माइनस a बड़ा होगा b से। क्लियर हो गया यहां तक बातें, चले आगे। चलिए आप देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कोण ए बी सी, कौन सा कोण, ए बी सी, तो इन कोणों का योगफल यानी कोण ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा कितने के, 180 डिग्री के। बोलिए तो कोण ए बराबर यहां क्या हो जाएगा, जरा बताओ, 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी। इसको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। या कोण बी बराबर 180 माइनस कोण ए प्लस कोण सी, या कोण सी बराबर 180 माइनस कोण कौन सा बचा, सी ए प्लस बी। बोलिए, ये तो फार्मूले हो गए। अच्छा ऐसा क्यों होता है सर जी, यूपी टेट की क्लास की क्या फी है, फी आप उस पर कांटेक्ट कर लें, ऑफिस वाले नंबर में पता चल जाएगा। ये देखिए क्या है बच्चे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। क्यों होता है, तो रेखा और कोण की तरह मैंने बताया आपको कि बच्चे कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल क्या करना है, यहां से इसके बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा, बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दिया। अब हमको बताओ यह वाला लाइन ए है तो ये भी तो ए रहेगा ही। अब इस जेड आकृति में मैं बना रहा हूं, देखो बच्चे ए इस तरीके का, अगर यह बी है तो क्या इधर वाला क्या हो जाएगा, बी। अगर यह सी है तो ए वाला क्या हो जाएगा, सी। और मैंने बताया था एक ही सीधी लाइन पे इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। यानी प्रूफ हो गया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश के। बोले कंफर्म हो गया, एक सेकेंड, भाई सांग यहां नजदीक नहीं चल रहा है बच्चा, तो कैसे मैं बंद करवा दूं, सांग कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर चल रहा है, आवाज हवा इधर होगी आवाज इधर आ रहा है। पूजा गुप्ता सर सांग बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस। अच्छा चले आगे, बोले यहां तक पहले इसमें डिस्टर्ब हो थोड़ा सा, ये चीजें समझ में आई कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 है, यदि कोण ए निकालना है तो 180 माइनस बी प्लस सी करना पड़ेगा, कोण बी निकालना है तो 180 माइनस ए प्लस सी करना पड़ेगा, कोण सी निकालना है तो 180 माइनस ए प्लस बी करना पड़ेगा। इन बातों को अभी जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा टॉपिक पे हम इसके दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं कि कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। इतनी तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर और इधर बच्चे किसके, भुजाओं के आधार पर,
भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। चलिए अब कोणों के आधार पर बच्चे पहला समकोण, वही सॉरी न्यून कोण। अब यहां उस न्यून कोण की जरूरत नहीं है कि आप केवल 0° से अधिक और 60° से कम जानो बच्चे, यहां आपको भुजा दी जाएगी ऐसे एबीसी दे दिया गया, पहचानो ये कौन सा कोण है, ऐसे पता करना है आपको। दूसरा समकोण, यहां आपको केवल ये नहीं दिया जाएगा कि x बराबर 90°, आपको इस तरीके से दिया रहेगा और आपको दिखाना है कि कौन सा कोण होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात अधिक कोण, तीसरी बात कौन सी अधिक कोण की होगी, और यहां जो है 90° से अधिक और 180° से कम दिखाने का कोई मतलब नहीं, यहां आपको ऐसे भुजा दी जाएगी और आपको निकालना रहेगा। तो तीन चीजें यहां पे मैं लिख देता हूं, आप समझिए बच्चे कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, यानी सी इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी, सी क्या होगी सबसे बड़ी भुजा होगी, सी क्या मान लेता हूं मैं, सी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आपको क्या बताया गया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे बच्चे, ऐसे कोण कहलाएंगे आपका न्यून कोण। अधिक समकोण के लिए क्या फॉर्मेट होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी स्क्वायर के। और अधिक कोण में बच्चा क्या फॉलो करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा सी स्क्वायर। अब ये चीजें कोसाइन रूल से हम निकाल सकते हैं, अभी हम बताएंगे कोसाइन रूल, तब वहां चर्चा में आपसे करूंगा। हालांकि कोसाइन रूल मैं अभी आपको याद भी कराता चलता हूं जिससे आपको दिक्कत उसमें न हो, कोसाइन रूल में भी आपको दिक्कत, सर 0° से 90° होगा या 0° से 60° कौन सा, नहीं 0° से बड़ा और 60° से कम क्या कहलाएगा, न्यून कोण बच्चे। समकोण क्या कहलाएगा, x बराबर 90°। अधिक कोण क्या कहलाएगा, 90° से बड़ा और 180° से छोटा, 90° से बड़ा और 180° से छोटा। क्लियर है, स्नेहा सिंह क्लियर है, सुरेश कुमार गुड थियरी, क्लास को फोकस करिए, ओके सर, ओके सर। चलिए इतनी बात कंफर्म हो गई, देखिए मैंने क्या बताया बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तो आप इसको कहेंगे क्या है बच्चे, न्यून कोण है, ऐसे याद हो जाता है लिखते लिखते, जब मैं बार बार लिखूंगा आपको भी याद हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, सी स्क्वायर के। तो ऐसी कंडीशन क्या आएगी, समकोण आएगी, क्या आएगी, समकोण आएगी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है सी स्क्वायर, तो ऐसी कंडीशन क्या आएगी, अधिक कोण आएगी, क्या आएगा, अधिक कोण आएगा। कहां से निकालते हैं, कोसाइन फार्मूले से, कोसाइन फार्मूले से निकालते हैं, अभी निकाल के आपको समझाऊंगा, पहले इतनी बात बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। अरे समकोण वाला तो दिमाग में होगा ही, किसी भी समकोण त्रिभुज पर बना कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो अगर बड़ी भुजा सी है तो यानी कर्ण यही होगी, सी होगी, बोलिए सी होगी, और दोनों का भुजाओं का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई जो आप कक्षा 10, 8, 9, 10 में ऐसे पढ़ के आए हो, अगर यह ए है यह बी है तो यह सी होगा, यह सबसे बड़ी भुजा है, तो क्या बताया गया है, सी स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो कितने डिग्री की होगी, 90° की होगी, तो ऐसे ए दोनों भी फॉलो करेगी, अगर ऐसे दोनों फॉलो करेगी तो हम ऐसे ही करेंगे ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किसके, सी स्क्वायर में, कहीं ना कहीं ए भी फॉलो करेगा। अभी इसकी चर्चा करूंगा, इसके लिए टेंशन आप न ले, पहले इस चीज को जो यहां लिखता जा रहा हूं पहले इसको समझो।
न्यून कोण क्या हो गया जरा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, समकोण क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के, अधिक कोण क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गई। अभी हम कोसाइन फार्मूला पर यूज करेंगे, इसको आपको समझाएंगे, तब आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, क्या करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। और जैसे अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, अब आपसे सवाल में ये पूछ देगा इस टाइप से, देखिए एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज दिया रहे, दो तीन आठ दे दे, पांच दे दे, छह दे दे, चार। अब भाई बनना चाहिए ना, दो तीन पांच इससे बड़ा होगा, चार तीन सात इससे बड़ा होगा, चार दो छह इससे बड़ा होगा, एक मैं मानक ले लिया। अब पूछ दे कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, कैसे बताओगे। अब ऑप्शन आपके पास न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं, बोलिए। सर न्यून कोण की एंगल नहीं क्लियर हो रही है, क्यों बच्चे, जीरो से बड़ा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, नब्बे से कम मतलब 89.99 तक हो जाएगा, क्या इसमें क्लियर नहीं है न्यून कोण में, जीरो से बड़ा यानी जीरो से बड़ा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह सब, और 90 से छोटा मतलब 89.99 तक हो गया, 90 टोटल हो जाएगा तो नहीं होना है, क्लियर, यही तो है। अब इसमें न्यून कोण आप 60 मान के चलते हो कि 60 ही न्यून कोण होता है, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, जीरो से अधिक, जीरो से अधिक सब होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, और 90 से कम, 90 से कम का मतलब 89.99 भी क्या होगा, न्यून कोण होगा, जो ही 90 हो जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सम कोण में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए क्लियर हो गया पूजा, चले ये बातें कंफर्म हो, ये बताओ कौन सा कोण होगा। तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा चार, सबसे बड़ी भुजा बच्चे क्या हो गई चार हो गई, तो आपको देखना है जो चार का स्क्वायर होगा, इधर लिख लीजिए, तो चार का स्क्वायर कितना होगा 16, और इस दो का स्क्वायर कितना होगा, और प्लस इस तीन का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे दो का स्क्वायर चार प्लस तीन का स्क्वायर 9, कौन सा बड़ा होगा, यह वाला बड़ा होगा, यानी ये 13 से बड़ी है वैल्यू बच्चे कौन सी, इधर वाली, तो आप बताओ इधर वाली कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, केवल यह वाली वैल्यू, तो यह कौन सा हो जाएगा अधिक कोण होगा, कौन सा होगा अधिक कोण होगा, कौन सा होगा अधिक कोण होगा, हाँ सर 60 लिखे इसीलिए कंफ्यूजन, अच्छा हम समझ गए थे आप लोग 60 ही पे समझोगे न्यून कोण, न्यून कोण की परिभाषा 60 डिग्री नहीं होती, हालांकि यहां परिभाषा की चर्चा तो मैं थोड़ी देर पहले ही कर चुका था आपसे, लेकिन बस यहां हमको ये बताइए कि कौन सा कोण है। जैसे एक त्रिभुज मैंने दे दिया और त्रिभुज की भुजाएं आपको दे दी गई, देखिए ये मैंने आपको त्रिभुज दे दिया तीन चार पांच, तो बस ये हमको बताओ कि ये सम कोण है कि अधिक कोण है कि न्यून कोण है, तो कैसे बताओगे। तो यहां बड़ा क्या है मैटर, सबसे बड़ी भुजा पांच, तो पांच का स्क्वायर इधर कर लो, उससे दोनों का वर्गों का योगफल कर लो, तो तीन का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर चार का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर 9 प्लस चार का स्क्वायर कितना 16, और इधर पांच पचे 25, तो इधर भी 25 और इधर भी 25, तो क्या यह दोनों बराबर आ गया, बोलिए क्या यह बात दोनों बराबर आ गई। तो यह अगर दोनों बराबर आ गई बच्चे तो हम क्या कहेंगे समकोण, क्या कहेंगे समकोण कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई बताइए। अब मैं कहूं एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, समझ गए होंगे आप लोग क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तो इस चीजों को दिमाग में अपने रखिए, ये तीन बातें आपको रखनी है बच्चे, कि अगर न्यून कोण होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, अगर सम कोण होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के, अगर अधिक कोण होगा
तो ए भी बराबर 90 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, छोटा होगा किससे, सी स्क्वायर से। इतनी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर यह बात आ गई है तो आप कोई भी त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, कोई भी त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, चाहे जो दिया रहे 5 6 7 ऐसे दिया रहेगा बच्चे, तो आपको क्या करना है, क्या यह त्रिभुज है तो त्रिभुज देख लो 5 6 11 बड़ा है, 7 6 13 बड़ा है, और 7 5 12 बड़ा है 6 से, क्योंकि 2 का योगफल तीसरी से सदैव बड़ा होना चाहिए। तो देख लो ना 5 6 11 5 6 11 11 बड़ा है 7 से, 7 5 12 बड़ा है 6 से, और 7 6 13 बड़ा है 5 से, यानी त्रिभुज का निर्माण संभव है। एक विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है भाई, होने के लिए तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन निर्माण कंफर्म है, कंफर्म है, ठीक है। अब आपको देखना है क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, अब इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस उधर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 36 और 25 कितना हो गया 61, और 61 बड़ा है किससे 49 से, यानी इधर वाली बड़ा है, तो ये बड़े वाली फॉलो कौन कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे सी स्क्वायर से, तो यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा न्यून कोण होगा, कौन सा त्रिभुज होगा न्यून कोण होगा। अब किताबों में अगर ये 60 डिग्री दे दिया इसे न्यून कोण आप ना समझे, ठीक है, न्यून कोण तो है ही, 45 भी दे दे तब भी तो न्यून कोण हुआ, 72 दे दे तब भी तो न्यून कोण हुआ, तो 60 पे आप कंफ्यूजन न रहे, क्लियर है। अच्छा 0 से अधिक 60, अच्छा 0 से 90 है बच्चे, ये बताओ, अच्छा इसीलिए कंफ्यूजन देखा, ओहो यहाँ नहीं नहीं 90 से कम बच्चे ना, 89.99 बोल रहा था मैं, वहां गड़बड़, ये अच्छा बताना चाहिए था कि यहाँ लिखा गया गड़बड़, ओ ये 60 नहीं बच्चे, कितने डिग्री है 90 डिग्री है, कितनी है, अच्छा अच्छा तो बताना चाहिए था कि वहां गड़बड़ लिख दिया गया, ठीक 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 कोई बात नहीं, 89.9 तो मैं बोल ही रहा था कि 90 से कम, तो बच्चे समझना चाहिए था ये गड़बड़ी से यहां 60 लिखा गया था, अच्छा इससे कंफ्यूजन हो आप लोग, तभी तो मैं भी कह रहा हूं। सर पूरा सिलेबस आज ही करा दोगे मैथ का, प्रयास तो बच्चा ये है कि ज्योमेट्री करा दो पूरा सिलेबस, मैथ का तो एक दिन में संभव नहीं, या तो तुम लोगों बहका दो जल्दी जल्दी में, है पूरा सिलेबस तो इतना आसान है नहीं बच्चे कि एक दिन में पूरा कराया जा सके, रात दिन लगा रहा हूं तो तुम लोग भी लगे रहने चाहिए, मैं अकेले भूकूंगा। 25 इक्वल 25 तो होगा क्या, समकोण हो जाएगा, अगर अब यही चीज दिमाग में रख लेना बच्चा कि न्यून कोण कैसे पकड़ोगे, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे सी स्क्वायर से, और समकोण कैसे पकड़ोगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के, और अधिक कोण कब पकड़ोगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा कौन सा सी स्क्वायर, तो समझ जाना कि क्या हो जाएगा वो अधिक कोण हो जाएगा। आगे चले, चलो जितना हो पाएगा उतना ही पढ़ाऊंगा भाई, कहें परेशान हो, मेरे पढ़ाने का प्रयास यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, मैं तो मान लो पढ़ा ही दूंगा, पता चला आपको न आया मैं पढ़ा चला गया तो कोई मतलब थोड़ी निकला, समझ में तो आनी चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, अभी इसको मैं बताऊंगा कहां से बातें आती हैं थोड़ी देर बाद, आप भुजाओं के आधार पर पहले चर्चा करेंगे, किसके आधार पर चर्चा करेंगे, भुजाओं के आधार पर चर्चा करेंगे, भुजाओं के आधार पर। अब यहां पर देखो आपका त्रिभुज है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा क्या होगा, पहला होगा विषमबाहु त्रिभुज, पहला कौन सा होगा विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा कौन सा होगा समबाहु त्रिभुज, तीसरा कौन सा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्लियर है।
कोई कंफ्यूजन है अब तक के लिए बताया तो आगे चले, अब तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, तो फिर इसको मैं आगे करूं। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। मान लो ए लिख दिया यहां पर, बी लिख दिया यहां पर और सी लिख दिया यहां पर। ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी। बोलिए। ठीक, अब यहां होता है एक अर्ध परिमाप। क्या होता है? सेमी मीटर जिसे कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू या यस बराबर होता है, इसको यस कहते हैं। यस बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यस बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये इक्विलेटर ट्रायंगल की तरह काम करता है बच्चे, ये इसमें नहीं आता लेकिन क्या है इसके क्वेश्चन में आता है, बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हूबहू काम करता है किसी भी त्रिभुज को। अभी मैं बताता हूं कि इसमें कोई भी ये विषमबाहु समबाहु सब में, अभी आपको मैं 2 सेकंड बाद बताता हूं कि किसी में भी आप काम करा सकते हो, क्योंकि इसकी पूरी थियरी आपको डिटेल करने वाला हूं मैं, विषमबाहु समबाहु और समद्विबाहु में। जहां तक कंफ्यूजन है कुछ, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहेगा। आज ज्योमेट्री इतना करा दी जाएगी जितना आपकी परीक्षा में आती है। आज इतनी ज्योमेट्री मैं आपको कराऊंगा जितनी आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा आ जाए। ठीक है, पर आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान कृपया ना हो। चले आगे। पहले पढ़ो बच्चे, तब न जानोगे समद्विबाहु त्रिभुज किसमें होगा। समद्विबाहु नाम से नहीं दिख रहे हो? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी जैसे ए विषमबाहु, तो पहले विषमबाहु की चर्चा कर लेते हैं ना। आप देखो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट, अंडर रूट में यस यस माइनस ए, यस यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, हीरोज जी ने इसको निकाला था, हीरोज फार्मूला। ये जानते होगे आप लोग। क्या कहते हैं अर्ध परिमाप को? क्या कहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ए प्लस बी, ए प्लस बी बाय टू। बहुत हल्के करा रहे हो अभी, हल्का तो बच्चा बेसिक है तो हल्का ही रहेगा ना। सवालों में दम होता है कि थियरियों में? थियरी जब पढ़ लोगे बच्चे तभी तो कठिन होगा सवाल, सवाल तो उसके दम पे बनाए जाते हैं ना, थियरी तो हल्का ही रहेगा। अभी ठीक है, अभी हल्का, अभी चलते हैं। जो दीजिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब क्लियर समझिए बात। अब इसी बात को मैं अगर इन चीजों पर कर दूं, किस पर? यहां पर करता हूं। देखो अगर यही बात मैं ए बी सी पर कर दूं, ए बी और सी, तो अब देखिए अगर इसको मैं नाम देता हूं बच्चे समबाहु। क्या नाम देता हूं? समबाहु, यानी सभी भुजाएं क्या होंगी? इक्विलेटर ट्रायंगल में समान होंगी। यानी यह भी क्या होगा? ए होगा। यह भी क्या होगा? ए होगा। बोलिए, यह भी ए होगा, ए भी होगा। क्लियर हो गया?
अगर अब हम इसकी परिभाषा की बात करें समबाहु की, तो क्या होगी जरा बताएं। तो आप कहेंगे जो यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा इस पर वही क्या होगा, लंब होगा। वही क्या होगा, मतलब जो हाइट रहेगी यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब समान होता है, चाहे परपेंडिकुलर कह लो, चाहे लंबाई कह लो, चाहे जो भी इसको माध्यिका कह लो, सबका एक ही होता है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं इसमें समान होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, चलिए अभी सर जितना बताया सबके लिए तो ठीक है, क्लियर है तो ठीक है। अब चलिए अर्ध परिमाप निकालता हूं। यस बराबर ए ए ए कितना, ए 3a/2। अब इसी पे यूज कर रहा हूं बच्चे, ध्यान देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा √3/4 × भुजा का स्क्वायर। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। बोलिए, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए लिखते क्या है अंडर रूट में, ध्यान देना बच्चे, लिखते क्या है अंडर रूट में, यस यस लिखते हैं, तो यस का मान यहां पर क्या है जरा बताएं, 3a/2। यस माइनस ए, तो 3a/2 - a, 3a/2 - b के जगह भी a, फिर 3a/2 - a। ठीक है, आप बताइए यहां से आप क्या करेंगे, रूट निकालेंगे 3a/2, और यह यहां से घटा दोगे क्या बच जाएगा बच्चे, a/2, यहां से भी क्या बच जाएगा a/2, यहां से भी क्या बच जाएगा a/2। अच्छा बताओ, 1, 2, 3, 4 ए आएगा, एक हो ये बाहर निकल गया, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, तो 4 बाहर निकल गया, √3 बच गया। तो क्या यही पर निकाले हो, क्या क्षेत्रफल क्या हो गया जरा बताओ, √3/4 × भुजा का स्क्वायर। कई बार तो इतने ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं आपसे, √3/4 × भुजा का स्क्वायर। आप देखिए अगर इसकी हाइट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, हाइट, तो यहां से एक लाइन खींच दो। तो जरा ये बताओ अगर ये हाइट है, अब बताया था मैंने जो भी समबाहु त्रिभुज होता है यही माध्यिका होती है, यही लंब होता है, यही परपेंडिकुलर होता है, सबका यही होता है, क्लियर है। तो अगर यहां से यहां तक ए है तो बच्चे ये वाला क्या हो जाएगा जरा बताओ, a/2। अगर यह a/2 होगा तो ये 90° को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर 90° को फॉलो करेगा तो क्या कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो हाइट निकल जाएगी क्या, तो निकाल दो। तो निकालते हैं इधर से, देखो a² = h² + a/2² इधर लाके घटा दो, a² - a² / 4 क्या हो जाएगा, h², तो 4 × 1 = 4, 4 में से 1 a² निकालो कि कितना a² 3 a² हाँ पाइथागोरस से ही निकालना बच्चे, दिख नहीं रहा कहां तक, नहीं दिखा ये वाला, क्या ये तो यही लिखा हो बच्चे, ये तो यही बात ऊपर वाला लिखा हो ना, ये तो यही बात मैं लिख दिया। देखो a 4a है, a^4, तो बाहर निकालोगे रूट के a² बच जाएगा, यहां √3 लिख दिया, बटे यहां पर 2 × 4 × 8 × 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, 16 का स्क्वायर रूट मैंने कितना लिख दिया 4, तो निकल के आ गया ना √3/4 × भुजा का स्क्वायर, √3/4 × भुजा का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब यहां से निकालिए, तो 4 × 1 = 4, 4 में से गए 3a² / 4 = h², तो h बराबर क्या हो जाएगा √3a² / 4, तो a तो बाहर आ जाएगा, √3 अंदर चला जाएगा, 4 का रूट हो गया। तो हाइट कितनी हो गई समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी हो गई √3/2 × a, √3/4 नहीं होता सुरेश कुमार, √3/2 a होता है बच्चे, त्रिभुज ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचाई में √3/2 × a होता है। देखिए यहां निकाल के मैं दिखा तो हूं, 4 का स्क्वायर, और
जब क्षेत्रफल निकालोगे तब आप निकालते हो अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बोलिए होता है ना, जैसे यहीं पर देखो एक गाय वाला जो प्रश्न बनता है कभी कभी, जानते हो आप लोग, ये देखो बस एक थोड़ा समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। ये नहीं आता ऐसे, इतनी गाय भाग चर नहीं पाई होगी। बोले इतनी भाग गाय नहीं चर पाई होगी। कभी कभी एक ही खूंटे से एक ही पे बंध जाती है, कभी कभी तीनों पे बंध जाती है, गाय इतने दूर में नहीं मिल पाई होगी या इतनी घास नहीं चर पाई होगी। इस साइडेड रीजन का एरिया निकाल दो, तो ये समबाहु त्रिभुज भी तो है। देखिए यहां से ये तो सर्किल हो गया, थोड़ा सा इस सेंटर है बच्चे, सेंटर की तरह बनाता हूं, रुको नहीं कहोगे सेंटर हो तो ना बनाए, ये ऐसे सेंटर बना देता हूं ना, ये सेंटर मैंने बना दिया। ठीक है, तो भुजा यहां पर क्या है, इसकी आर होगी, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा और ए भी आर होगा, होगा कि नहीं, बोले बोले। अब देखिए आर आर यहां से बच्चे यहां से तक कितना हो गया 2R, यहां से यहां तक बच्चे कितना हो गया 2R, यहां से यहां तक बच्चे कितना हो गया 2R। तो आप बताओ भुजा की तो पता चल गई, भुजाएं कितनी हो गई 2R 2R। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इन तीनों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं तो ये बचा हुआ ये निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 × इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो ये 60-60 डिग्री के हैं बच्चे, कितने कितने डिग्री के होंगे 60, क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं 180 डिग्री की होंगी, और 180 डिग्री की होंगी तो 60-60 होंगे कि नहीं होंगे। बोलिए तो देखो इन अर्धवृत्त का निकालेंगे हम, ए यही वाला, इसे आप बच्चे ऐसे करते हैं, देखिए ये देखो ये थीटा है, तो त्रिभुज पहले तो पहले पूरे वृत्त का क्या निकालोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे टोटल पे कितना निकलना है 360 पे 360 निकाल दिया। ये देखिए ये निकल जाएगा आपका शेडेड रीजन एरिया छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सेंट्रल रीजन एरिया कैसे निकालोगे, इस त्रिभुज में से पूरे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो कटा हुआ भाग है, ये वाला मैं दूसरी पेन से कर देता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो थीटा यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर थीटा जो है 60 डिग्री, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसे लिख दो, लिख लेना हिंदी में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्र। त्रिज्यखंड का क्षेत्र तो आपको साइड रीजन एरिया मिल जाएगा ना, ये रेड वाला जो है, जब इस त्रिभुज में से ये ब्लैक वाला मैं घटा दिया, ये जो ब्लू है पूरा वाला, इसमें से मैं ये ब्लैक वाला 1, 2 और 3 वाला घटा दूंगा तो क्या मुझे सेड रीजन एरिया मिलेगा, लिखो बच्चे कमेंट लिखो। हाँ प्रदीप जायसवाल सही कर रहे हैं आप, त्रिज्यकोण से लगेगा सर, त्रिज्यकोण ही बता रहा हूं बच्चे, लिखा हो त्रिज्यखंड, यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। हाँ यही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो थीटा की वैल्यू यहां पर सवाल में कितना होगी बच्चे, तो थीटा की वैल्यू सवाल में 60 डिग्री होगा, ये बता रहा हूं मैं, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे बहुत सिंपल है, तो सिंपल का मतलब बच्चे नहीं है,
मतलब यह है कि इसी सवाल को बनाया जाता है, मोल्ड फोल्ड किया जाता है ना सवालों में। तरीके को तो फोल्ड करोगे, थियरी को तो ही फोल्ड करोगे। सवाल कठिन कैसे बनाए जाते हैं बच्चे, जब थियरी को आप फोल्ड करोगे। क्लियर हो गया? चलिए, संभावों की बात हो गई तो जरा बता दो संभावों का परिमाप 3a/2। परिमाप कितना जाएगा 3a, अर्ध परिमाप 3a/2 और क्षेत्रफल कितना होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हाइट कितनी होती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। अब तो गलतियां नहीं होगी, कई बार संभावों से बना हुआ प्रश्न है, आप प्रश्न करोगे मजा आएगा आपको, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। किसमें चलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज में। और समद्विबाहु में क्या जानने का प्रयास करेंगे वो भी चीज देखिए। अब देखिए समद्विबाहु क्या होता है, देखिए लाइव की संख्या कम होती जा रही है, आप लोग थोड़ा इसको और शेयर करिए भाई, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है तो आपको करना ही पड़ेगा ना। बोलिए। हाँ, यही तरीका, यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर लिखना चाहते हो तो फिर से लिखवा देता हूं मैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये त्रिज्य का थीटा बटे 360, क्योंकि पूरा 360 पे सर्किल में देखा जाता है। सर्किल का क्लास अलग से लूंगा मैं, सर्किल की क्लास जब अलग से लूंगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है? हाँ, सेक्टर ही है, यही सेक्टर से होगा सर, सेक्टर ही है बच्चा ही। चलिए, अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं। आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु क्या होता है, देखिए ए आपकी एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं ए ए बी, ठीक है? परिमाप या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ए प्लस बी बाई टू, यानी टू ए प्लस बी बाई टू। अगर अर्ध परिमाप की बात करें समद्विबाहु की, अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो क्या करेंगे आप, यही तो लगाएंगे। बोलिए, समद्विबाहु त्रिभुज के अगर अर्ध परिमाप 2a प्लस बी बाई टू। अगर मुझे मान लो क्षेत्रफल पूछ दे, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, मैंने पढ़ा है s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, एक का पढ़ा है, एक से जोड़ता मैं चल रहा हूं, आप देखते रहिए बस। चलिए देखिए, ए मान लीजिए ए बी सी है ना, तो रखिए बच्चे यस माने 2a प्लस बी बाई टू, और यहां रखिए 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए, 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए, दो भुजा बराबर हो गई। दूसरी रखिए 2a प्लस बी बाई टू माइनस बी, रख दिया आप। बोलिए, 2a प्लस माइनस बी बाई टू रख दिए आप। परिमाप 2a प्लस बी, हाँ ठीक। आप समझिए 2a प्लस बी बाई टू, यहां से घटाएंगे बच्चे तो बच जाएगा b बाई टू। देखिए दो एक का दो और माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो b बाई टू, यहां से भी बचेगा b बाई टू, यहां से देखो 2b हो जाएगा, माइनस भी बच जाएगा तो 2a माइनस बी बाई टू बच जाएगा। अब आप हमको बताओ बच्चे कि दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, सोलह का स्क्वायर रूट चार, ए टू ए माइनस बी और ए बी, ए प्लस में है माइनस में, इधर का है बी बी, बी स्क्वायर में बी कॉमन, तो अंडर रूट में क्या बच गया 2a प्लस बी, एक कोष्टक में 2a प्लस बी और दूसरे में बच गया 2a माइनस बी,
तो आप बताओ यहां क्या लिख सकते हो, b बाई फोर अंडर रूट ए क्या हो जाएगा बच्चे, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, b बाई फोर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को याद कर लो, यही किताब में लिखा रहता है, यही आपको जानना है प्रूफ कैसे होता है कि b बाई फोर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बाई फोर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर। अरे लिखो भाई, हाँ है ना, अरे क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जरा लिखिए। तो ए हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां ध्यान देना, ए क्या है, समान भुजा, ए क्या है समान भुजा, बी क्या है असमान भुजा, बी क्या है असमान भुजा। अब पढ़ेंगे हम कि कोसाइन रूल, फिर हम पढ़ेंगे साइन रूल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, फिर हम पढ़ेंगे समबाहु वृत्त की बाह्य त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये भी जरूरी है ना। तो फिर हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, क्या पढ़ेंगे, एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर से हम डेल्टा बाई एस भी निकालते हैं, उसकी भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर माध्यिका, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे सुस्त हो गए क्या भाई आप लोग, चलिए अब हमने पढ़ा था बच्चे क्या पढ़ेंगे, कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, क्योंकि यहां से जरूरत पड़ेगी आपको कोसाइन फार्मूला की। इसको कौन सा नियम कहते हैं, कोज्य नियम, अंग्रेजी कठिन होती है इसकी, कौन सा नियम, कोज्य नियम। तो रट कैसे याद करोगे, देखो कॉस ए बराबर ए के बाद क्या आता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, पहले वाला बी सी। कॉस बी बराबर क्या होता है, बी के बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए। कॉस सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। बोलिए भाई, कॉस ए बराबर संज्ञा कुमारी, सभी लोग, अच्छा डेली करंट अफेयर, अच्छा ठीक है, ए बताइए कॉस ए बराबर कैसे याद करोगे, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। अब देखिए मैंने बताया था कि बच्चे मान लो कॉस 90 ले लूं मैं, कॉस 90 ले लूं और इधर हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, कुछ भी ले लो, टू सी ए लेता हूं, सी ए लिया हो ना, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, शून्य। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए होगा, इधर जीरो हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि यह समकोण होगा, फिर 60 ले लोगे तो न्यून कोण में हो जाएगा और 90 से अधिक ले लो तो अधिक कोण में हो जाएगा, तो इसी फार्मूले पे लगता है। तो ये फार्मूला कैसे याद करोगे, दिमाग में रखो, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, यही उतार देना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद जो यहां आया उसका एंगल यहां घटेगा, एंगल है भुजा यहां घट जाएगी अपॉन टू बी सी, पहली भुजा, ये एंगल है, देखो इसमें रिकॉर्ड है कि एक ही चीज है, इसमें एक एंगल दिया जाएगा, वन एंगल। ऐसे प्रश्न में कितने एंगल दिए जाएंगे, एक कोण दिया जाएगा, और कितनी भुजाएं दी जाएंगी, दो भुजाएं, एक कोण दो भुजा दी जाएगी, तो तीसरी भुजा आपको क्या करनी रहेगी, निकालनी रहेगी, या हो सकता है तीनों भुजा दिया जाए तो आपको एंगल निकालना रहे। तो समझ पाए इतनी बात, तो इसको दिमाग में रख लेना, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस, इसको दिमाग में अपने रखना है, चाहे तो प्रूफ करा दो, लेकिन समय लग रहा है तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि रहने, ठीक है। चलिए आप साइन रूल भी दिमाग में रख लो,
साइन रूल रखो, साइन ए अपॉन साइन साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी आप अब इक्वल टू टू आर होता है। ये टू आर की बात मैं चर्चा बाद में करूंगा आपसे। यहां पर देखिए इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। तो ए आपके अब कहीं कहीं देखिए इसको के भी लिखा रहता है, के बराबर टू आर, ठीक है, कहीं कहीं इसको के भी लिखा रहता है। तो हां शेयर करते रहो, नहीं तो देखते तो रहो, कम से कम अपनी परेशानी तो बताते रहो भाई। देखो साइन ए, ये देखो साइन रूल है। अब इसमें क्या होगा, यहां पर आपको दो कोण दिया जा सकता है, दो कोण एक भुजा दी जाएगी और एक भुजा पूछी जाएगी। इसमें संबंधों का निर्वहन आप समझ रहे हैं किससे किससे हो सकता है, आप इन दोनों को लेकर निकालिए चाहे इन दोनों को निकालिए। अगर बी के सामने वाला एंगल दिया रहेगा तो बी से निकालेंगे और सी के सामने वाला एंगल दिया रहेगा तो सी से निकालेंगे। हाँ या ना बताइए, हाँ या ना, क्लियर हो गया बात, चले आगे। चलो तो बताओ साइन रूल और कोसाइन रूल आपको समझ में आया, ठीक। अब मैंने लिया एक समबाहु त्रिभुज, क्या लिया मैंने देखो, कोई भी त्रिभुज ले लिया मैंने, एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी दिमाग में रखना, एक त्रिभुज लिया, इस एंगल का मान x है, इस एंगल का मान y है, इसका एक आउटर साइड बढ़ा दिया मैंने, तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज मैंने लिया, यह वाला 40 डिग्री है, यह वाला 50 डिग्री है, तो ये बाहर वाला बच्चे कितने हो जाएगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो गया जरा बताओ, अगर यह x है या y है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, बीटा मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, इसको मैंने कहा यह 180 माइनस x प्लस वाई हो जाएगा, और इतने पूरे का योगफल इसी 180 अंश के बराबर होता है, तो 180 अंश माइनस x प्लस वाई और प्लस बीटा बराबर 180 अंश, 180 अंश 180 अंश क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर इसका मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इस पर सवाल बहुत अच्छा बन के आता है, मैं अभी एक की चर्चा आपसे करता हूं। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इस पर प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। ये देखो 40 या 90 हो गया, तो ये भी ये तो बस हो गया आंसर, डायरेक्ट निकाल लिए। अब देखो इस पर प्रश्न कैसा बना है उसकी चर्चा मैं करता हूं। देखो मान लो एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें एक रेखा कोई खींची गई ऐसे सीधे, ठीक है, सीधी खींची गई है, एबीसी कोई लाइन है, एबीसी कोई त्रिभुज है, डी बिंदु है, आपसे कहा कि ये कैसे बाहर की तरफ मैं खींच देता हूं, ठीक है, और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के साथ बराबर होगी मान लो, और ए वाली वैल्यू कुछ भी आपको दी गई हो, मान लो 87 दी गई हो, कितनी दी गई हो, 87 डिग्री दी गई हो वाली, और आपसे ए वाली पूछ गई हो, ए वाली वैल्यू आपसे पूछी गई हो, ठीक है, बस इतना ही सवाल में दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, बहिष्कोण के नियम है, बताया जरा तो इसको बताओ जरा तो, एक प्रश्न दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है, ऐसे ही बताओ, ए वाली बाह्य भुजा इधर वाली 87 दी गई है, ए भुजा इसके बराबर दी गई है, और कुछ भी सवाल में नहीं दिया गया, आपसे पूछा है कि ए सी क्या होगा, देखो सी को आप लोगों को निकालना है बच्चे, तो जरा हमको बताओ अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, क्या मान लूं, अल्फा मान लूं बोलो, और इसको अगर मैं थीटा मान लूं, या कोई भुजा एक और बराबर दी गई होगी, यानी मैं मान लेता हूं ये बराबर दिया है, चलो तो अगर ये अल्फा है बच्चे, तो बस एक सवाल के थ्रू मैं समझा रहा हूं इसको, समझिए,
अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, ये भी बराबर है भाई, इसके सामने ये, इसके सामने ये, अल्फा अल्फा, तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा। बोलो होगा कि नहीं होगा, 2 अल्फा हो जाएगा। और इसके सामने वाला अगर ये होगा तो ये भी कितना अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा। तो अगर टोटल की हम देखें, ये वाला 2 अल्फा इधर होगा, सॉरी 2 अल्फा। तो अब हमको बताओ ये पूरा टोटल अल्फा किसके बराबर होगा, 3 अल्फा के, लेकिन यहां वाली भुजा ये वाली होगी 2 अल्फा। तो बताओ ए अल्फा और ये 2 अल्फा, तो ये कितना अल्फा हो गया, 3 अल्फा। और 3 अल्फा बराबर कितनी हो गई, 87। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 87/3, और इसको कटेगा 3 × 6 29 डिग्री। तो आपसे ये पूछा था तो 2 × 29 डिग्री, तो 29 × 58 डिग्री। तो ऐसे भी प्रश्न सवाल में आपको बना के मिलेंगे बच्चे। तो इस अगर नियमों को जानते रहोगे तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि पहले नियम को आपको जानना जरूरी है। मान लो मैं सवाल तो ऐसे लगा दिया हूं, आपको नहीं समझ में आएगा, जान जाओ अल्फा अल्फा माना, ये बाहर वाला 2 अल्फा, ये इसके बराबर दिया गया था, तो ये 2 अल्फा, तो ये भी कितना, 2 अल्फा। और 2 अंतःकोणों का योगफल 1 बाह्य कोण के बराबर होता है, तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के बराबर हो गया 87 डिग्री, तो 1 अल्फा के बराबर 29 डिग्री। आपसे सी पूछा था तो 2 अल्फा 28/28 58 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए ऐसे भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे बच्चे, तो आप कंफर्म रहिएगा। जैसे एक मान लो ये संभाव त्रिभुज है, क्या है, संभाव त्रिभुज है। अब संभाव त्रिभुज में अभी अंतः केंद्र में हम ये बात पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन यहां हमको जानना जरूरी है क्योंकि परिकेंद्र भी हम पढ़ेंगे, परिकेंद्र की भी फार्मूला हम पढ़ेंगे, तो इसको अंतः केंद्र भी कुछ देर बाद बताता हूं ना, पहले हम आप शुरुआत करें। अच्छा यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे एक बहुत अच्छा सवाल बना था, आपको पता ही होगा, सिंपल सवाल होता है, इसका अंतः केंद्र, इसका एंगल बाई सेक्टर और इसका बाह्य कोण जिस बिंदु पर जाकर मिलता है, जिस बिंदु पर जाकर मिलता है, जैसे ABCD है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको दिमाग में होगा तो होगा, इसका अंतः केंद्र और इसका बाह्य केंद्र, मतलब इसके अंतः कोण और इसका सी का बाह्य कोण, सी का बाह्य कोण जिस बिंदु पर मिलता है इसका मान बता दो। तो अगर यह कोण थीटा आएगा तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 2 थीटा, यानी इसका ये आधा आता है, इसका क्या आता है बच्चे, ये आधा आता है। देखो सवाल क्या बना था, ए आपका एक ए वाला डॉट डॉट मैं कर देता हूं भाई, बाह्य वाला मिला था ना, ऐसे डॉट डॉट मैंने कर दिया। अब देखो क्या हुआ, यह वाला एंगल दे दिया कितने डिग्री, 50 डिग्री दिया था। तो अगर नियम जानते तो जो बाह्य साइड मिलता है, जो बाह्य तरफ मिलता है वो कितना हो जाएगा, जो बाह्य साइड मिलता है वो कितना हो जाएगा, ए वाला आधा होता है, आधा का मतलब 25 डिग्री। अब यहां 2 थीटा लिखा हूं, यहां थीटा लिखा हूं, अगर यहां थीटा हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ए थीटा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी क्या है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप दिमाग में रखना। तो समझ पाए कि अगर इसके अंतः और इसका बाह्य एंगल जहां पर जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वह इस कोण का कितना होता है, आधा होता है, अगर यह 50 है तो यह कितना होगा, 25। अगर यह 25 दिया गया है बाह्य कोण वाला, अगर यह 25 दिया है तो यह कितना हो जाएगा, 50। यानी अगर यह थीटा है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अगर यह वाला 2 थीटा है तो यह कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है, क्लियर, आधा हो जाता है, हाँ आधा हो जाता है। चलिए ये थ्योरम समझ में आ गई, आगे चलता हूं। अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण एंगल बाइसेक्टर। ए वाली
एंगल को बराबर भागों में बांटना, ए बी सी, एंगल मैंने बांट दिया, ए बांट दिया, ए बांट दिया, बांट दिया मैंने, ए बी सी डी है, मान लो बी ई सी एफ और ए डी बांट दिया, ए इन सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। अगर मैं यहां से इन सेंटर निकालने का प्रयास करूं, देखना बच्चे, अगर मुझे यहां से इस ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इस बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और इस सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, तो यहां से आपसे पूछ दे ए आई रेशियो आई डी का मान या बी आई रेशियो आई ई का मान या सी आई रेशियो आई एफ का मान क्या होगा, तो दिमाग में रखना बच्चे, मैं समझा देता हूं। ए आप जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ोगे, कौन सा रेशियो प्रोपोर्शन, तो वहां पर एक क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अच्छा जरा बताओ क्या नियम लगाओगे इसमें, ए आई रेशियो आई डी का और बी आई रेशियो आई ई का और सी आई रेशियो आई एफ का, क्या नियम लगा के इस सवाल को हल करोगे, क्या नियम लगा के सवाल को हल करोगे जरा बताओ, तो जान लो क्या करेंगे बच्चे। देखो ए आई से आई डी का रेशियो निकालना है तो बेस क्या है, ए बेस क्या है, ए अपान जो बचा है उसको लिख दो बी प्लस सी, क्या लिख दोगे, बी प्लस सी वन बाई फोर, क्या वन बाई फोर नहीं, वन बाई फोर कहां से आएगा बच्चे, और वन वन रेशियो टू का बात बता रहे हो क्या, नहीं नहीं वन बाई, चलो ए आई रेशियो आई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई ए हो जाएगा। अगर बी आई से बी के पक्ष में देखो, बी नीचे चला आएगा और ऊपर चला आएगा सी प्लस ए, ऊपर चला आएगा सी प्लस ए, ऊपर चला आएगा सी प्लस ए, वो तो दो रेशियो वन का जो रेशियो होता है यहां से जो बाध्यिका होती है सेंटर में सेंट्रॉयड में, वह दो रेशियो एक होता है ना। यहां बताओ जो ए आई रेशियो आई डी का मतलब क्या है, यहां इन सेंटर है समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक बताओ बच्चे। चलो यहां देखो लिख रहा हूं मैं सी आई आई एफ, सी आई का मतलब क्या है, बेस सी है, बेस सी है और बचा कितना ए प्लस बी। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं ये आपको दिमाग में, एक स्टूअर्ट फार्मूला भी आता है इस पर, एक स्टूअर्ट फार्मूला भी आता है कि इसका रेशियो टोटल का प्लस इसका रेशियो टोटल का प्लस इसका रेशियो टोटल का बराबर एक होता है, बराबर क्या होता है, एक होता है। आप बताओ ए आई से देखोगे बेस क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी आई से देखोगे बच्चे बेस क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी आई से देखोगे बेस क्या होगा, इसी होगा। हल कर सकते हो क्योंकि कोण समद्विभाजक भुजा को बराबर भागों में बांटता है, कोण समद्विभाजक मतलब भुजा को अगर कोण वाला है तो कोण को, अगर ये अल्फा है तो ए भी क्या होगा, अल्फा होगा, यानी ये अगर पूरा अल्फा है तो ये अल्फा बाई टू होगा और ए भी क्या होगा, अल्फा बाई टू होगा। इसीलिए मैं एकदम आराम से कल चल रहा था ना कि आप लोग समझते रहो, जल्दबाजी करने से क्या फायदा है जब चीजें समझ में नहीं आएंगी है। चलिए तो मैंने क्या किया, जैसे यहां पे देखो अगर यह बी है पूरा टोटल बच्चे बी है तो ए बी बाई टू हो जाएगा, ए भी बी बाई टू हो जाएगा, तो यहां जो आई इन सेंटर होता है इसको कैसे निकालोगे, इसी चर्चा इसी की बात मैं कर रहा था। तो आप करेंगे सर इसको मान लीजिए आई मान लिया, तो ए हो गया अल्फा बाई टू प्लस यह हो गया बीटा बाई टू और प्लस यह हो गया आई बराबर 180 डिग्री, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, तो ए हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब इसको और तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो,
बोलो, और तोड़ना चाहे तोड़ सकते हो, या दो से भाग दे देता मैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश कर देता। देखो अगर इसी को बात को मान लो इतना लिखा मैंने, और ये भी तो मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ भी लिखना चाहो बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो भाग देने में मतलब दो कुल पक्षों में दो से भाग देता मैं, ए वाला बी बाय अल्फा बाय टू और बीटा बाय टू कैंसिल हो जाता, तो यहां से क्या मिल जाता है ये 90, तो अल्फा माइनस गामा बाय टू बराबर ए वाला 90, यही 90 मिल जाता। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर इसको गामा माने थे, आई बराबर 90 प्लस गामा बाय टू हो जाता, यानी ए वाला भुजा कितना हो जाता 90 प्लस गामा बाय टू कितना हो जाता है, गामा मान लिए थे बच्चे। अब मैं इसको सिंपली भाषा में आपको समझाता हूं क्योंकि आप लोग भी सोचे हो कि का कह देना, इधर मैं लिख देता हूं फिर से देखो। अगर यही बात कोण समद्विभाजक में, ये बात समझ में आ गई, ए आई रेशियो आई डी बी प्लस सी बाई ए, और बी आई रेशियो आई ए सी प्लस ए बाई बी, और सी आई रेशियो आई एफ ए प्लस बी बाई सी हो जाएगा। क्लियर है, नहीं बोल रहे हो आप लोग, बोलिए पहले बोलिए। अरे भाई बोलो, हाँ या लिखो, हाँ मिटा दिया, ये तो दिख ही रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं ना। देखो मैंने क्या बताया, अगर कोण समद्विभाजक पढ़ते हो तो आप दो बातें पढ़ो, ए बी और सी, यहां का जो एंगल और यहां का जो एंगल काटेगा बच्चे, या अगर टोटल बी है, क्या है टोटल बी है या बीटा है, बीटा मानता हूं, तो ए बीटा बाई टू हो जाएगा, ए भी बीटा बाई टू हो जाएगा। अगर यह टोटल एंगल सी है तो ए हाफ हो जाएगा, ए भी हाफ हो जाएगा। इतनी बात मानते हो क्या, इतनी बात मानते हो आप? तो अब हमको बताओ, अगर यह ए बी सी है और बी का एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु पर, बी का एंगल बाइसेक्टर यहां पर और सी का कोण समद्विभाजक यहां पर, कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर या अंतः केंद्र, एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा। बोल ही नहीं रहो तुम लोग, इतना शांत क्यों बैठे हो भाई, थोड़ा कुछ बोलो लो, यस सर नो सर। चले तो देखिए, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए आई हो गया, मान लो ये सेंटर है। अब क्या करना है ध्यान समझो, अगर यह बी बीटा बाई टू मान लिया मैंने, तो यह भी क्या हो जाएगा बीटा बाई टू हो जाएगा, और यह भी सी बाई टू मान लिया, तो ए भी कितना हो जाएगा सी बाई टू हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो हमें टोटल का पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस नीचे की हम बात करें इस वाले की, तो यहां पर भी तो बीटा बाई टू यानी बी बाई टू, भाई बी लिया हो तो बी ए लीजिए, प्लस सी बाई टू प्लस आई बराबर टोटल कितना 180 अंश, टोटल कितना 180 अंश। अब हमने किया क्या कि यहां बी बाई टू था यहां बी बाई टू था, तो हमने इसको भी दो से सभी पक्षों में बच्चे क्या किया भाग दे दिया। जब दो से सभी पक्षों में भाग दिया तो सी बाई टू और बी बाई टू कैंसिल हो गया, यहां 90 बच गया बोला, और यहां क्या बच गया ए बाई टू माइनस आई, तो ए बाई टू माइनस आई या आई माइनस ए बाई टू बराबर, इसमें से घटा रहे हैं बड़ा है ना, 90 में 180 में से 90 घटाओगे 90 हो जाए, ए भाई कट के 90 हो गया, इतना जानकारी रहना चाहिए। तो आप हमको बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 90 प्लस ए बाई टू हो जाएगा, 90 प्लस ए बाई टू हो जाएगा, यानी यह वाली वैल्यू जो है यह 90 प्लस ए बाई टू होती है। आप देखो गलती लोग कहां करते हैं, आप लोग गलती कहां करते हैं ये बात समझिए। जब कभी आपसे सवाल पूछा जाता है
जब कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी एक क्या है, त्रिभुज है, और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु आई पर मिलता है, आई पर मिलता है और यह वाली डिग्री कोण, यह वाली कोण कितना हो जाए, साठ डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, साठ डिग्री हो जाए, तो यह क्या वाली क्या होगा। तो लोगों को वृत्त का नियम याद आता है, किसका नियम याद आता है, वृत्त का, कि अगर ये 60 होगा तो 120 होगा, और ऐसे मार के चले आते हैं, ठीक है। अच्छा 120 हुआ कैसे ये भी जान लो, हालांकि हमको तो पता है कि यहां पर क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाई टू यानी ए बाई टू, ए बाई टू 30 डिग्री हो गया, तो 90 30 120, हालांकि अगर 60 डिग्री सवाल में दिया था तब तो तुम्हारा सही हो गया, क्या हो गया बच्चे, अगर 60 डिग्री दिया गया था तब तो तुम्हारी बात सही हो गई, मान लो, मैं मानता हूं। लेकिन अगर यही सवाल एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, और इसका मान 90 है, तो इसका मान क्या होगा, तो क्या 90 दुना 180 मार के चले आओगे, बताओ, क्या 90 दुना 180 मार करा पाओगे, ऐसा तो है नहीं, तो 90 दुना 180 नहीं मारना है, आपको क्या करना है जरा बताओ, तो आपको करना है यहां पर 90 प्लस थीटा बाय 2, तो 90 प्लस थीटा का मान 90 बाय 2 यानी ये हो गया 45, और 45 कितना हो गया 135 डिग्री, तो जरा बताओ यह वाला एंगल कितना बना बोलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 90 प्लस थीटा बाय 2। आप लोग सर्किल का याद करते हैं, सर्किल का याद करते हैं कि परिधि पर बना कोण इस पर बने कोण का आधा दुगुना होता है, ये बात याद करके जाते हैं परीक्षा में और गलत कराते हैं, यही बात लोग याद करके जाते हैं और परीक्षा में गलत कराते हैं। अगर यहां 45 90 दुना है तो अगर ऑप्शन में गलती से 180 दिया तो कर दोगे टिक, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो रहा अगर अंतःवृत्त बने, अगर यही अंतः केंद्र बने, अगर यही बाह्य सेंटर पे बने तो देखिए तीनों बात एक ही जगह में लिखता हूं, समझिए, चार के चारों बातों को कंफर्म करता हूं आपका। एक पहला बात कि एबीसी है, एबीसी है, तो अगर ए बी कोण समद्विभाजक हो जाएगा बी बाई टू, और ए भी हो जाएगा बी बाई टू, और ये भी मिलेगा तो ये भी हो जाएगा c बाई टू, और ये भी मिलेगा c a i, पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर त्रिभुज abc है, त्रिभुज क्या है abc है, इसका अंतः केंद्र i है, और अगर a थीटा है तो a वाला एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। तीसरी बात, तीसरी बात, अगर यह ABC है, अगर यह ABC है, क्या बच्चे ABC है, और इसका बाह्य बिंदु यहां कहीं आकर मिल रहा है, अगर यह वाला थीटा है, अगर यह वाला थीटा है, तो यह एंगल बता दो, यह एंगल मान लो आई, मैं मान लो तो इन सेंटर आउट सेंटर है, तो कुछ भी मान सकता हूं, आउटर के लिए एफ ओ मान लेता हूं तो ए वाला कितना हो जाएगा, तो ए 90 माइनस, 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलिए
90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। चौथी बात मैंने आपको क्या बताया कि अगर अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका कोण समद्विभाजक डी ए अंतर समद्विभाजक आई पे मिलता है बीसी बीई सीएफ, तो यहां से ए आई का रेशियो ए आई रेशियो आई डी बराबर बी प्लस सी बाई ए होगा, क्योंकि ए वाली भुजा कौन सी है, ए है, और इसके सामने वाली ए वाली भुजा कौन सी है, बी है, और इसके सामने वाली ए वाली भुजा कौन सी है, सी है। अगर इधर की बात मैं करूं बी आई रेशियो आई ई का, तो यहां हो जाएगा सी प्लस ए बाई बी। अगर मैं इधर से करूं सी आई रेशियो आई एफ का, तो यहां से ए प्लस बी बाई सी कर दो। लिख लो अब, क्या जी कम होते जा रहे हो, लाइव हो कहां, भूख लग गई क्या तुम लोगों को? बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताएं? देखिए चारों का चारों कंडीशन मैं एक ही जगह रख दिया, चारों की चारों कंडीशन मैंने आपको एक ही जगह रख दिया। अब कुछ बातें आपको बताने चल रहा हूं मैं, उसको दिमाग में रखना। जैसे ये तो मान लो समझ गए, अगर ये थीटा दिया है तो 90 माइनस थीटा बाई 2 कर दो, आउटसाइड रहेगा। अगर यह थीटा दिया है तो ये अंदर वाला 90 प्लस थीटा बाई 2 रहेगा। अगर ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि कैसे आप निकालते हो, किसी चीजों को हल कैसे करते हो, ये चीजें मैंने आपको बताई। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? बोले भाई यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, या सर रोल लिखो। सो गए हो क्या जी तुम लोग? सर क्लास का टाइम, अरे बच्चे आज तो रविवार है ना, तो रविवार की क्लास बस चल रही है, अन्य की क्लास आप वही सुबह से है जो है। आज की क्लास जो है आप लोगों की ये ज्योमेट्रिक क्लास चल रही है, ये आपको बताना है। ये चारों कंडीशन समझ में आई एंगल बाइसेक्टर का, ये हम पूछ रहे हैं। तुम लोगों को ये बातें समझ में आई कि नहीं ये बताओ। क्लास का टाइमिंग तो आपसे वहां पता चल जाएगा, आप फोन कर लीजिए, ठीक है? चले आगे, देखो क्वेश्चन लिखता हूं, समझना बच्चे। एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं। यदि आई ए बी सी का अंतः केंद्र है, यदि आई ए बी सी का अंतः केंद्र है और ए बी सी 60 डिग्री और ए बी सी बराबर 60 डिग्री दिया गया है, ए बी सी कितना दिया गया बच्चे, 60 डिग्री दिया गया, तथा ए सी बी 90 दिया गया है, ए सी बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है, तो तब बी आई सी आपसे पूछा है, तब एंगल बी आई सी का मान क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, यदि आई ए बी सी का अंतः केंद्र है और ए बी सी बराबर और ए बी सी बराबर 60 दिया गया है तथा बी सी ए बराबर 80 डिग्री दिया गया है, तो एंगल बी आई सी का मान बताइए, ठीक है?
चलिए विशाल सर, यस स्टेट का ऑफलाइन बैच में भी आप ही पढ़ाते हैं? हाँ मैं ही पढ़ाता हूं। चलिए देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है बच्चे, एबीसी, एक त्रिभुज क्या है देखो, एबीसी है, ये ले लो एक त्रिभुज, मैंने एबीसी लिया, एबीसी कहां के अंतः केंद्र है, आई जो है अंतः केंद्र है, इन सेंटर है यानी कोण समद्विभाजक है तो आई है। कहा कि एबीसी 60 है, ए वाला पूरा कितना है 60 डिग्री है, और एसीबी, एसीबी 90 है यानी ये सी जो बीच में रहे वही लिखना है बच्चे, जो बीच में है वही दिमाग में रखना है, एसीबी 90 डिग्री है यानी ये 90 है। तो हमसे पूछा है कि बीआईसी क्या होगा, बीआईसी अच्छा ये बताओ ये 30 यानी 60 ये 90 ये कितना 30 भाई, 90 और 60 कितना हो गया 150, 90 60 150 टोटल होता है 30, और यह वाला कितना होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 30 बटे 2 तो 15, तो 90 10 100 105। अगर वैसे करते तो ये कितना हो जाता जरा बताओ, ये आधा एंगल बाइसेक्टर है तो 30, एंगल बाइसेक्टर तो 45, तो 45 30 कितना हो गया 75, अब टोटल होता है 180 तो 105। तो दोनों विधि से लगा सकते हो नहीं, बोलिए दोनों विधि से लगा सकते हो ना। पहला तो यहां देखो 30 का 60 का आधा करोगे 30, ये 90 का आधा 45, 45 और 30 75 और 75 और टोटल 180 होता है, तो घटा दोगे तब भी कितना 105 डिग्री, तब भी कितना 105 डिग्री। क्लियर है, क्लियर होगा, चले आगे। ठीक, दूसरा सवाल बच्चे वही हूबहू दिया गया है, बस देखो क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है त्रिभुज है, और इसका इन सेंटर कितना है आई है। आपसे कहा कि एबीसी 60 है, ये टोटल कितना है 60 है, और बीसीए 80 है, बीसीए, बीसीए वाला टोटल कितना है 80 है। अगर टोटल की बात करो बीआईसी निकालने के लिए तो 60 80 60 140, तो ये कितना हो गया 40 और 180 हो गया। अगर फार्मूला लगाते हो तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, 40 का आधा 20 थीटा बाई 2 तो 110 डिग्री हो गया, मार दो। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं लगाएंगे तो ये एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है तो 30 होगा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा बच्ची आधा 50 हो जाएगा, 40 होगा तो 40 से 70 और 110 80, तो वैसे भी मार सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप उत्तर मार सकते हो, फ्री हो। इन सेंटर समझ में आया बात। मुझे एडमिशन लेना, एडमिशन लेना है बच्चे तो कांटेक्ट कर लीजिए ना उस नंबर पे, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए एडमिशन, क्या दिक्कत है, पढ़ना तो है ही भाई, पढ़ना है तो आप तो पढ़ोगे ही ना बच्चे, तो ले लो एडमिशन, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। जो वहां ऑफलाइन क्लास में जो आपको नंबर दिया है 630 वाला, उस पर आप फोन करके बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, एक मैंने लिया एक सवाल मैंने लिया आसान सा, आपको रूल बताया हूं तो सवाल लगा के उत्तर बताओ जरा। तो एबीसी है या एडी है और या बीई है या क्या है सीएफ है, इन सेंटर आई है, ओ बी कुछ भी लिख सकते हो, ए पांच है, ए चार है, क्या ये पांच है और ये चार है, या दो है और ये क्या है तीन है। तो आपसे पूछा है बी आई अपान आई ई, बी आई अपान आई ई ही पूछा है, यही सवाल आपसे बच्चे पूछा है। ठीक है, देखो यही सवाल तो मैंने अभी आपको बताया कि देखो बच्चे
अगर मुझे यहां से रेशियो, आप ध्यान समझना इस सवाल को, एंगल बाइसेक्टर का अगर सवाल आएगा तो बेस्ट सवाल हो जाता है। अच्छा, इस बेस्ट होने का इसका एक और रीजन है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में जो नियम लगता है बच्चे उस पर भी फॉलो करता है। सर फीस कितनी है? ज्यादा तो नहीं, नहीं बच्चा बहुत ज्यादा फीस नहीं। आप बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा फीस आपकी नहीं होगी, ठीक है? मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं। चलिए देखिए, अब इसको मैंने क्या बताया, जरा समझिएगा बात। अब थोड़ा सा आसान आराम से समझाऊंगा, जल्दबाजी जिसको हो भाई वो अपना इसके बाद वाले जो जल्दबाजी मैं करूंगा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा इसको समझाने में समय लगेगा तो समझिए। जब मैं लगा रहा था AI रेशियो ID, AI रेशियो ID, तो मैंने लगाया था बच्चे B+C/A, मैंने लगाया था B+C/A, लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था, क्लियर है? तो AI रेशियो ID का मान B+C/A के ही तो बराबर है, तो मैंने लिखा इसको 5/4 लिख दिया। मैंने क्या लिखा बच्चे? 5/4 लिख दिया। जब मैंने निकाला BI रेशियो IE का, तो मुझे पता चला बेस तो वही बी वाला है, तो बी और ये C+A, इसका भी रेशियो हमको सवाल में दिया गया है, कितना नहीं दिया गया है, यही शायद निकालना भी है क्या? यही निकालना था, हाँ। इसको तो हमको क्या करना है, निकालना है। अब हमको इस नियम पे देखा है तो CI अपान IF A+B/C दिया गया है, और A+B/C का मान दिया गया है, CI का मतलब 3:2, ये बच्चा दिया गया है। अब मुझे मान कैसे मैं निकालूंगा ये बात मुझे पता नहीं। अब मुझे निकालना क्या है? C+A/B। अब बताओ B+C 5 है और A अकेले 4 है, A+B 3 हो गया, यानी अगर B की मान 3 रखता हूं तो C का मान क्या होना चाहिए? 2 रखना चाहिए, 5 हो जाएगा, तो A का मान 4 रखूंगा तो यहां 3 नहीं आएगा। ध्यान समझो बच्चे, अगर B का मान B+C 5 है और A+B 3 है, तो B अगर यहां मैं 3 रख दूं तो A का मान 0 होना चाहिए, लेकिन यहां 0 है नहीं, तो अब कंडीशन गड़बड़ चल रही। क्या चल रही? गड़बड़ चल रही। तो ऐसे सवाल को कैसे हम हल करते हैं बच्चे, उसको ध्यान समझना। हम ऐसे सवाल को बराबर करने का प्रयास करते हैं। यहां जो भुजा है देखो, यहां का योग इससे गुणा कर देंगे, वहां के योग के इससे गुणा कर देंगे। देखो करते हैं, तो 3, 2, 5, तो ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यहां से 5 × 4 = 9, तो यहां भी किससे गुणा? 9 से, और यहां भी किससे गुणा? 9 से, तो 9 × 3 = 27 / 9 × 2 = 18। अब देखो यहां का योगफल जो होना चाहिए वही योगफल बच्चे यहां का भी होना चाहिए, तो सही है क्या? देख के बताओ, जो योगफल वहां का है वही योगफल यहां का भी होना चाहिए, यानी यहां भी A+B+C बराबर कितना है? 45। A+B+C बराबर कितना है? 45। और यहां पर भी बच्चे A+B+C कितना है? 45 है। बोलो जी, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अब देखो 45 हो गया, तो अब A का मान बच्चे यहां से कितना है? A का मान हो गया 20। A का मान कितना हो गया? 20। और C का मान कितना हो गया?
सी का मान हो गया 18, तो सी का मान हो गया 18, तो बी का निकाल सकते हो, और क्या भाई 38 हो गया और 45 में से घटा दो तो 45 माइनस 38 तो कितना हो गया 38 7 45। अब आपसे पूछा क्या था बच्चे, आपसे केवल पूछा था सी प्लस ए, तो सी प्लस ए माने 18 और प्लस 20, यानी 18 और प्लस 20 38, और 38 बटे बी का मान 7, 38 बटे बी का मान 7, तो आप बताएं उत्तर क्या हो जाएगा, 38/7 हो जाएगा। ए का मान बी, सी का मान 18, बी का क्या हो गया 7, क्योंकि टोटल का मान कितना हो गया था 45, टोटल का मान कितना हो गया था 45। अब स्टीवर्ट साहब एक हैं, मैं आपको बता देता हूं स्टीवर्ट थ्योरम, स्टीवर्ट थ्योरम, उन्होंने कहा कि डी आई बटे टोटल डी ए प्लस ई आई बटे पूरा बी ई प्लस एफ आई यानी आई एफ बटे टोटल एफ सी बराबर होता है कितने के, 1 के। किसने बताया, स्टीवर्ट थ्योरम ने बताया, स्टीवर्ट थ्योरम ने बताया। ये रेशियो में सवाल आता है बच्चे, ये रेशियो में आएगा, ए बी प्लस सी का रेशियो ए से है 5:4, देखो ये रेशियो का सवाल बन गया ना, ऐसे सवाल आते हैं बी प्लस सी रेशियो ए बराबर 5:4 और ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 3:2, तो आपसे पूछेगा सी प्लस ए रेशियो बी का मान क्या होगा, तो ये रेशियो का ही सवाल है। देखिए इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेशियो में। देखिए रेशियो का सवाल है कि नहीं है, मैं पढ़ाया होगा रेशियो तो उसमें आप देखिएगा जो पुरानी वीडियो होगी तो उसमें मैंने बताया होगा कि रेशियो का मान ऐसे निकाल सकते हैं आप। सही बात है, तो चलिए देखते हैं। तो डी आई कितना हो गया जरा बताइए, तो डी आई हो गया आपका 4 और टोटल हो गया 4 5 9 प्लस, इसको तो शायद निकालना ही है, बी आई आई ई अपन बी, इसको तो निकालेंगे ही, आई अपन बी प्लस पूरा इसको निकालिए, आई एफ कितना है बच्चे, आई एफ है 2 और टोटल है 5, 2/5 बराबर कितना 1, तो इसको उधर से घटा देते हैं 1/5 बी बराबर ए 1 माइनस 4/9 प्लस 2/5, तो ये हो गया 9/45, 9/5 कितना हो गया 45 हो गया, और ए 9/45 5 चौक 4 चौक 16 प्लस 5 9 45 9 2 18, तो ये हो गया पूरा 1 माइनस 34 34/45, तो 45 में से आप 34 घटा दो तो कितना हो जाएगा 1 और 11 रहा, कुछ गड़बड़ी हुई कहा, 4 4/5 4 9, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दिया मैंने आई बटे टोटल बी ई, इसको मैंने लिखा 2 2/3 2 5, सही तो था, तो 9/45। अच्छा कुछ गड़बड़ी आ रही है उसमें, स्टीवर्ट फार्मूले में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। स्टीवर्ट फार्मूले में क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही यार, कैसी गड़बड़ हो जाएगी, एक बार देख लेता हूं बच्चे, और यहां 4/ कितना हो गया 9 और प्लस यहां पे 2/5 और प्लस वो जो आया है वो वाला x बराबर 1, तो यहां कितना लिया मैंने 45, तो 9/45 और 5 हो गया 5 चौक
20 प्लस 5 नवा 45, 9 दूनी 18, सही तो है यार, 38 हो गया ना, और प्लस x बराबर 1 हो गया, तो 1 माइनस 38 बटे 45, तो 7 बटे कितना हो गया 45। अब आपसे कितना पूछा था, आपसे 7 बटे 45 पूछने का मतलब यह 7 था, यह वाला 7 था, और यहां से यहां तक पूरा कितना था 45 था, तो लेकिन आपसे इसका रेशियो पूछा है, तो 45 में 7 घटा देंगे, 15 में 7 के 8, 38 हो जाएगा, तो देखो 38 अनुपात, यह सही लगा था, गड़बड़ हम ही लिख दी थी, तो कितना हो गया 38 अनुपात 7। अरे भाई ये 7 क्या है, ये 7 यहां तक आया और ये 45 कितना आया, पूरा आया, तो जब पूरा 45 है तो बच्चे हमको इसका तो रेशियो निकालना है, बोलो बोलो सही है ना, तो 38 अनुपात 7 हो गया, तो चेक कर लो, ऐसे भी ये डायरेक्ट स्टीवर्ड से लगा लेना, अगर ये चीजें दिक्कत हो रही थी स्टीवर्ड से लगा लो, स्टीवर्ड फार्मूला, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट लगाओ, बोलो समझ पाए। सो गए क्या जी तुम लोग सभी, अभी तक कुल जल्दी जल्दी कहते कहते सो गए क्या भाई, बोलो क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, चले आगे, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी होगी, मिटा दूं, आप चलिए यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अब चलते हैं आगे बच्चे। देखिए एंगल बाइसेक्टर में अगला क्या आता है, जो जो हमने पढ़ा आप एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो देख के आप सवाल पूरा कर जाओगे विद गारंटी। ए बी सी है, इसके अंदर एक मैंने सर्किल डाला, इसका नाम हो गया अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के, समबाहु का मतलब यह भी ए, यह भी ए, और इधर वाला भी ए, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस, डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एस क्या है अर्ध परिमाप है, और त्रिज्या क्या है, अब देखिए डेल्टा बाई एस, अब ध्यान देना बच्चे, अगर मैं यहां से एक बिंदु, एक यहां से इस लाइन पर और एक इस पर मैं बनाता हूं, तो ए सर्किल पे जहां काटेगा बच्चे ये 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है ये 90 डिग्री का होता है। आप देखिए अगर इस बात की चर्चा यहां से मैं करूं तो ए तो हो जाएगा आर, ए भी आर और ए भी आर, ये तीनों तो काम, ए नहीं ए वाला, ये तीनों तो कॉमन हो जाएंगे, और अगर मैं एक एक त्रिभुज की बात करूं जैसे ए डी मैं मान लूं, ए बी आई मान लूं, या ई मान लूं और एफ मान लूं, तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं ए ओ या आई कुछ भी रख सकता हूं, मैं यहां आई रख देता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं ए आई बी, ए आई बी त्रिभुज, देखना त्रिभुज ए आई बी की बात करूं तो क्या मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो बेस इंटू हाइट, एक बटे दो
इसका बेस a इंटू हाइट, हाइट तो कुछ भी ले सकते हो, a वाली r, देखो ये है r ना, ये तो हाइट है, r प्लस, अच्छा प्लस नहीं, अभी दूसरे में, अब दूसरे त्रिभुज को इधर से लेता हूं, देखो a i c, क्या लेता हूं, त्रिभुज a i c बराबर एक बटे दो इंटू बेस कितना, a ही रहेगा। अच्छा यहां पर मैं अलग अलग ही लेता हूं, इसके b के सामने b लेता हूं, ठीक है, किसी भी खींच सकते हो ना, यहां c लेता हूं, चलो यहां b इंटू आर, अगर c के सामने वाला लेंगे तो a वाला b i c, त्रिभुज b i c बराबर एक बटे दो इंटू c इंटू आर, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं, अब इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं, देखो बच्चे जोड़ते हैं, तो जो ही जोड़ा ये तीनों मिलकर एक ही त्रिभुज बनाए, किसका, ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का बना लिया, बराबर यहां से क्या हो गया, अच्छा मैं लिख देता हूं भाई, त्रिभुज ए आई बी प्लस त्रिभुज ए आई सी प्लस त्रिभुज बी आई सी बराबर एक बटे दो आर कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया पूरा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर, या ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो R इंटू यस, तो डेल्टा बराबर R इंटू यस, तो R बराबर डेल्टा बराबर R इंटू यस, तो R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई यस, R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई यस। तो बताओ संभाव त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के, संभाव नहीं, यहां पर लिखते थे किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, डेल्टा बाई यस होती लेकिन अब मैंने कहा कि भाई संभाव त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो संभाव त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a बाई टू रूट थ्री, कैसे निकालोगे उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं, पहले बताओ ये बातें समझ में आई, बोलो जी ये बातें आपको समझ में आई, ये मैंने r बराबर डेल्टा बाई s कैसे निकाला पता चला, अंतः केंद्र i है, एक सर्किल को अंदर डाला किसी त्रिभुज के अंदर, और सर्किल क्या करती है, त्रिभुज के किनारे को टच करती हुई जाती है, तो उसका रेडियस मैंने देख लिया कि यह इसका रेडियस है, मैंने हल कर दिया, आपको समझ में आया होगा, आप यहां पे चेक कर सकते हो, तो मैंने पूरा डिटेल समझाया, अब मैं बता रहा हूं किसी भी संभाव त्रिभुज के अंदर, किसी भी संभाव के संभाव त्रिभुज के अंदर, ये देखो मान लो ये तुम्हारा एक संभाव त्रिभुज हो गया एबीसी, क्या हो गया संभाव त्रिभुज, और इस ए के सामने ए और यहां भी ए और यहां भी ए, तो भुजाएं यहां पर क्या हो गई ए हो गई, तो आर हमको निकालना है, अगर इसके अंदर मैंने एक सर्किल डाल दिया तो संभाव त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हालांकि लगाने के लिए इस पर भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, संभाव त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, संभाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो r बराबर डेल्टा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, अंडर रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा का स्क्वायर अपान अर्ध परिमाप क्या था, तो अर्ध परिमाप था a थ्री ए बाई टू, थ्री ए बाई टू यही तो था, तो भाई a से a क्या होगा कट जाएगा, तो यहां हो गया अंडर रूट थ्री बाई फोर इंटू उलट दोगे तो टू बाई थ्री, दो से कट जाएगा, और कटना चाहते हो तो अंडर रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो तीन तीन से क्या होगा ए कट जाएगा, यानी वन अपान वन इंटू ए, ए अपान टू रूट थ्री बच जाएगा। तो अब आप किताबों में पढ़े होंगे कि संभाव त्रिभुज के
समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या a बाई टू रूट थ्री है। ऐसे ही पूछेगा बच्चे प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर या अंतर्वृत्त खींचा गया है, उसकी त्रिज्या बता दो। तब जब आप r बराबर डेल्टा बाई s नहीं जानते रहोगे तो नहीं कर पाओगे, या समबाहु त्रिभुज का a फार्मूला नहीं जानते रहोगे कि a बाई टू रूट थ्री, तो 10 बटे टू रूट थ्री कर दोगे तो 5 बटे रूट थ्री आ जाएगा, 5 अंडर रूट थ्री बाई थ्री उत्तर आ जाएगा। तो बिना इस फार्मूले के, बिना इस जानकारी के आप नहीं कर पाओगे। और किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दे दिया तब तो और दिक्कत हो जाएगी। मान लो समबाहु त्रिभुज तुम रट लिए हो कि एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया अंतःवृत्त, इसकी त्रिज्या आप बता दो अगर समबाहु त्रिभुज भुजा 10 सेंटीमीटर हो, तो आप तब तो बता दोगे कि 10 सेंटीमीटर है तो अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े हैं, a बाई टू रूट थ्री पढ़े हैं, तो a का मान 10, 10 बटे टू रूट थ्री तो 5 कट जाएगा, अंडर रूट थ्री से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 कर्णी में 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए है कि नहीं? विशाल मौर्य सर क्वेश्चन किस टाइप का, हाँ ये तो बता रहा हूं बच्चा, यही तो बता रहा हूं कि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त की हमको त्रिज्या बता दो, या कह देगा उस वृत्त का हमको क्षेत्रफल बता दो, उसको हम उस वृत्त का हमको क्षेत्रफल बता दो। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुड़े आर का मान ये वाला, 5 कर्णी में 3 बटे 3 का स्क्वायर, तो 3 हो गया, 5 पच्चीस 25 3 75 3 3 से कट जाएगा ना, 9 हो जाएगा, तो पाई गुड़ा 5 पच्चीस 25 3 75 और बटे 9 हो जाएगा। अगर पाई का मान भी सवाल में यूज किया है तो पाई का मान कितना यूज करोगे, 22 बटे, पाई का मान अगर पाई का मान अगर 22 बटे 7 भी यूज किया है तो वो भी आप कर सकते हो। एक थियरी इसलिए बता देता हूं कि आपको दिमाग में आए भाई डेल्टा बाई एस आया कहां से, कुछ जानते रहोगे तब ना हल करोगे, पता चला बस डेल्टा बाई एस ही होता है, हो सकता है समय भूल जाओ, और ऐसे रहेगा तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में आ जाएगा, सभी चीजें भूलेंगी नहीं ना, क्योंकि बहुत वो होता है कि जो हमको फार्मूला भूल जाता है, जब हम फार्मूला याद ही नहीं कर पाते तो भूल जाता है, तब तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको थियोरेटिकल तरीके से आपको समझाता चल रहा हूं। और बाकी तो मैं ऐसे भी लिखा सकता था, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या a बाई टू रूट थ्री, समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र मतलब परिवृत्त की त्रिज्या जो है a बाई रूट थ्री, और जो है किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर डेल्टा बाई एस, और किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर एबीसी अपॉन फोर डेल्टा, ये तो मैं लिखा ही सकता हूं आपको। बोले भाई कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब देखिए, इसी पे एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है बच्चे आसान सा, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण का मतलब समझते हैं आप लोग, समकोण का मतलब 90 डिग्री पर, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, ये मैं मान लो एक समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज का मतलब समझते हैं, कि ए एक त्रिभुज है आपका, ए भी, अरे ऐसे बनाओ ना तुम लोग, ऐसे देख लोगे ए वाला, ऐसा कुछ मतलब नहीं है एंगल निकालने के लिए, ए 90 डिग्री और ये सबसे बड़ी भुजा सी, ए छोटी भुजा ए आई बी, इसके अंदर एक अंतर्वृत्त इस तरीके से डाल दिया जाए, अगर इसकी रेडियस आपसे पूछ, अभी देखिए अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने समबाहु त्रिभुज के अंदर या किसी भी त्रिभुज के अंदर डालकर देखा था एक सर्किल को अंतः केंद्र की, यानी कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हम वृत्त को
अंतर्वृत्त डालते हैं तो आर बराबर डेल्टा वाई यस होता है। कितना होता है बच्चा? आर बराबर डेल्टा वाई यस होता है। और अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंदर डालते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होती है जरा बताओ? तो त्रिज्या होती है ए बाई टू रूट थ्री। त्रिज्या क्या होती है? ए बाई टू रूट थ्री। अगर हम परिवृत्त की बात अभी करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं 90 डिग्री की बात। क्लियर है? सर मोबाइल डिस्चार्ज ऑफ होने वाली है इसलिए बाद में देखेंगे, अभी के लिए वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिचार्ज कर वहीं लगा लो मोबाइल, देखते रहो कम से कम। चलो तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या होता है, इन दोनों का योगफल R बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है। क्या होता है? R बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है। R बराबर यानी क्या निकालने के लिए? रेडियस निकालने के लिए R बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है। जैसे दे दे मान लो एक त्रिभुज है, a समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3-4-5 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एबीसी त्रिभुज के अंदर एक अंतः वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतः वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको तो पता ही होना चाहिए क्या होगी। तो R बराबर a प्लस बी 4-3 7 माइनस 5 बटे 2 बराबर 1 हो जाएगी। यानी R का मान कितना हो गया? 1 हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि हम जान गए। अच्छा अभी R बराबर डेल्टा बाई एस लगाते, R बराबर डेल्टा बाई एस लगाते तो डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया ऊपर वाला, नीचे अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 5-3 8-4 12 12/2 यानी 6 तो 6 दुना 12 2 2 से कट गया, फिर भी क्या आ जाएगा? 1। यानी कहने का मतलब इसी फार्मूले से, वह भी फार्मूला क्या किया गया है, इसी फार्मूले से वह भी फार्मूला क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आपको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी बाई टू ही होता है। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलिए भाई क्लियर हो गई? क्लियर हुई या नहीं हुई जरा ये बात हमको बताएं तो हम आगे चलें। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा कोण समद्विभाजक के कुछ कंडीशन जो आपको मैंने बताया, कोण समद्विभाजक क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनके फार्मूले होते हैं। कोण समद्विभाजक भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये चीज थोड़ा समय भूल गया उसको भी मैं बता देता हूं कि कोण समद्विभाजक का काम है, अगर यह भुजा ए है यह भुजा बी है, कोण ऐसे डाले तो ए भी ए और बी में क्या करेगा, बांट देगा। क्लियर है? अगर यहां से खींच दे तो अगर ए और ए में है तो यह भी ए में होगा, अगर यह बी में है तो यह धर्म बी में। यानी कोण समद्विभाजक का यह भी काम होता है कि इसको रेशियो में बराबर, जैसे ए बी सी मान लो एक त्रिभुज है, ए डी एक कोण समद्विभाजक है डी, अगर यह 5 और 6 सेंटीमीटर है तो बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा? तो 5 और 6 का होगा, रेशियो होगा, योगफल नहीं रेशियो। क्या होगा? रेशियो होगा। इतनी बात मैंने आपको बताया। बोलिए कंफर्म हो गया इतनी बातें? चलिए एंगल बाइसेक्टर की बात खत्म हो गई, अब हम बात करेंगे किसकी? माध्यिका की। तो कोण समद्विभाजक में मैंने आपको बच्चे बताया कि यह क्या करती है, यह भुजाओं को आपस में रेशियो में बांट देती है, पहली बात। दूसरी बात यह क्या करती है, अगर किसी इन सेंटर पर काटी है तो अंतः वाला 90 प्लस थीटा बाई टू होता है, बाय वाला 90 माइनस थीटा बाई टू होता है। अगर ए आई आई डी और आई डी तीनों रेशियो पे काटी है तो बी प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी और ए प्लस बी बाई सी वाला मैटर रेशियो को लगाकर हम करते हैं। तो बोलो हाँ या ना आ गया? अब हम निकालते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर डेल्टा बाई एस होता है।
ठीक है, r बराबर डेल्टा वाई। यस होता है, अगर मैं बाहर की बात करूं तो r बराबर ए बी सी अपन 4 डेल्टा होता है। r बराबर, थोड़ा समबाहु त्रिभुज समझाना है इसलिए मैं इसको अभी फार्मूले के थ्रू आपको समझा के माध्यिका बताता हूं। देखो बाद में इसको प्रूफ भी कर दूंगा मैं। ये देखो ऐसे परिकेंद्र है, ऐसे, और ये सेंटर है, इसकी रेडियस यहां पर आएगी, इसकी रेडियस ए वाला जाएगी और इसकी रेडियस ए आएगी। भाई यही तो रेडियस बनेगा, ऐसे मत मिला देना कि यहां टच करेगा। तो पर किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर। आर बराबर ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। किसी भी परिवृत्त की त्रिज्या, किसी भी परिवृत्त की त्रिज्या सुनील यादव सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बच्चा, आप कैसे हैं, एकदम अच्छा हूं मस्त। देखिए किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ए बी सी अपान फोर डेल्टा होता है। आर बराबर ए बी सी, आर बराबर ए बी सी अपान फोर डेल्टा होता है। बोलिए भाई, अगर ए बी सी बटे फोर डेल्टा होता है तो क्या समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जरा बताएं। तो होता क्या है, ए बी सी, तो यहां तो तीनों भुजाएं सेम होती हैं समबाहु में। अरे भाई समबाहु में, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जब समबाहु त्रिभुज सब सेम होती हैं प्लीज सर मेरा कमेंट जो, हाँ पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं सुनील जी आपका कमेंट मैंने पूरा पढ़ा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ए बी सी अपान फोर डेल्टा। तो ए ए गुड़े हो गया और फोर माने चार तो रहेगा, डेल्टा अभी आपको मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज के परि, अब डेल्टा माने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंडर रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा का स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो चार से चार कट जाएगा, दो दो से कट गया, यानी a बाई क्या हो गया, रूट थ्री। अब बताओ समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, a बाई रूट थ्री। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, a बाई रूट थ्री। और समबाहु के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई थी, a बाई टू रूट थ्री। और किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई थी, r बराबर डेल्टा बाई s। और किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर ए बी सी अपन फोर डेल्टा। परिवृत्त के लिए मैंने कैपिटल R लिखा था, अंतर्वृत्त के लिए स्मॉल r का यूज किया था। बोलिए भाई सही है, अरे तुम लोग बताओगे कुछ कि मैं चलूं आगे, बताते रहो भाई। ठीक सुनील जी आपका कमेंट में पढ़ता चला हूं, आप परेशान मत होइए, ठीक है पूरा कमेंट में पढ़ता चल रहा हूं। ठीक है ओके, तो अगला शुरू करूं माध्यिका। तो ए एंगल बाइसेक्टर था, ये क्या था, एंगल बाइसेक्टर। स्वाति चतुर्वेदी जी सर ओके ओके, राजकरण यस सर। तो मैं मीडियम शुरू करता हूं, माध्यिका की बात आज हम करेंगे। तो बताओ यहां तक एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज और रेखा और कोण में कोई आपको दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी लगी हो तो बता दो, दो मिनट, इसके बाद मैं फिर शुरू करता हूं माध्यिका। और माध्यिका के बाद आपको पढ़ाएंगे सेंट्रोइड केंद्रक, जो आप लोग दो रेशियो एक बताते हो उसकी चर्चा हम करेंगे।
थोड़ा चर्चा आपको कर देंगे, तो आप दिमाग में सब चीजों को रख लेना। किताबें लिए ही होगे आप लोग। सर आज फुल कोर्स कराएंगे? हाँ, लगभग प्रयास करूंगा। कितना बस, यही दो टॉपिक से तो प्रश्न आता है आपका, जितना मैं पढ़ा चुका हूं इससे आएगा, एक आध क्वेश्चन माध्यमिका से आएगी, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद तो लगभग ज्योमेट्री आपकी अच्छे अच्छे लेवल में यहीं तक खत्म हो जाती है। उसके बाद आर्थो सेंटर है, तो आर्थो सेंटर सिंपल हो जाता है, खत्म हो जाती है बातें। इसके बाद सर्किल है, तो सर्किल अलग से पढ़ा दूंगा, चतुर्भुज और आयत, ये सब एक दिन क्लास लूंगा मेंस्ट्रुएशन का पूरा, तो आप उसको वहां मेंस्ट्रुएशन में समझा दूंगा प्रश्न के साथ, ठीक है? प्रयास रहेगा कि जितना हो सके करा दूं। अब जब भाई मैराथन में ही आया हो तो कुछ बताना ही पड़ेगा आपको। चलिए माध्यिका की बात मैं करता हूं आपसे। किसकी बात? माध्यिका की बात करता हूं, मीडियन की बात करता हूं। मीडियन क्या करता है? सम भाग में बांट देता है। मान लो ये तुम्हारी एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें मैंने एक लाइन खींचा डी, एक खींचा ई, एक बस ऐसे कर दिया, तो इसमें तीन प्रकार के मैंने त्रिभुज बनाए हैं। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूं, केवल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूं, तो एक बटा दो इंटू बेस, अगर मैं इस बात को मानूं यक्स बेस यस, और हाइट मान लो यच मान लेता हूं, ठीक है? अगर हाइट तो सबकी सेम होगी, बेस अगर इसको वाई मानता हूं और यहां से देखता हूं तो यह भी हाइट तो सेम ही होगी, तो रेशियो 1/2 इंटू वाई इंटू एच। अगर मैं इस बात को यहां से देखूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस जेड हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो अगर यहां से देखोगे तो यहां से 1/2 एच चला जाएगा, यहां से भी 1/2 एच और यहां से 1/2। तो क्या माध्यिका का काम क्या है? ये रेशियो को बराबर भागों में बांट देती है। क्या होती है? बराबर भागों में बांट देती है। बोलो। अरिथमेटिक भी कराएंगे? अरिथमेटिक भी कराएंगे? क्यों नहीं बच्चा, अरिथमेटिक क्यों नहीं कराऊंगा? अरिथमेटिक भी कराएंगे? हाँ कराऊंगा, अरिथमेटिक भी कराऊंगा आप लोगों को, क्यों नहीं अरिथमेटिक कराऊंगा? ये तो ज्योमेट्री करा रहा हूं, अरिथमेटिक में बता दो कौन सा चैप्टर आपको दिक्कत हो रही है, वो करा देता हूं मैं। किसी भी अरिथमेटिक के चैप्टर में यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो बता दो, मैं करा दूंगा। चलो करा दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो ये बात क्या करा? आप देखो दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, बहुत बेसिक सा है, बस जानकारी ले लोगे तो हो जाए काम। दूसरी बात हो गई, यह आपका एबीसी एक त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज हो गया। मान लो इसकी माध्यिका यह है एडी, और एबीसी का एरिया दिया है, एबीसी का एरिया मान लो 32 सेंटीमीटर दे दिया गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ना, एरिया दे दिया गया है। तो इस माध्यिका क्या क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया दो भागों में बांटेगा, तो ए आधा 16 हो जाएगा, ए भी आधा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बात खत्म। कितना हो जाएगा? 16 16 हो जाए। अच्छा टोटल का 32 है ना, तो आधा आधा 16 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? बोलिए। ठीक,
अगर मैं कहूं यह एक त्रिभुज है एबीसी, यह क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, पूरा एरिया इसका 64 है और यह एक एरिया डी बांटा गया है, एक ई बांटा गया है, मान लो ऐसे, तो आपको इसका मान बताना है, इस वाले का बी ई डी, एंगल बी ई डी का एरिया क्या करोगे, जरा बताओ इसका उत्तर। तो टोटल दिया गया है सर, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री कब पढ़ाएंगे, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जब आप कहें तब पढ़ा दें, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और प्रोपोर्शन, सर क्वेश्चन से ज्यादा समझ आता है सर प्लीज। हाँ तो बच्चे इसीलिए तो क्वेश्चन लिया हूं मैं, देखिए आपको लेता तो चल रहा हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन भी लेता चल रहा हूं, थियरी भी बताता चल रहा हूं। अभी मेंसुरेशन उसमें आप नहीं पढ़े थे, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, चलो ठीक है पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके चलें। आप देखिए कि दिया है किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज एबीसी का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एडी उसकी माध्यिका है और बीई एडी की माध्यिका है, एडी क्या है, एडी क्या है, बीसी की माध्यिका है और एडी बिंदु पर एक बिंदु ई है जो एडी की माध्यिका है, तो आपको बताना है बीई डी का मान क्या होगा, जबकि पूरा एरिया कितना दिया गया बच्चे, जबकि पूरा एरिया, जबकि पूरा एरिया बच्चे कितना दिया गया 64, तो जरा बताओ अगर पूरा 64 दिया गया है तो यह और यह तो 32 32 हो जाएगा भाई, दो बराबर भागों में बांटने का मतलब यह और यह 32 32 हो जाएगा। अब इस पूरे की एरिया 32 है, तो अगर पूरे की एरिया 32 है और बीई जो है अगर इसकी माध्यिका है, अगर बीई बच्चे इसकी माध्यिका है तो यानी यह भी 16 हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा 16, तो यह कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, माध्यिका बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। बेटा क्लासेस आप मस्त पढ़ाते हैं, धन्यवाद बच्चे, समर्थन के लिए आपको, आप लोगों को सभी को धन्यवाद, यह आपका प्यार है कि मैं इतना मस्त पढ़ा पा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत है नहीं। सर जी प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम, अभी आप आए हैं विवेक जी, बोले यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई, जरा आप बताएं तो आगे मैं चलूं। चले आगे, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर इसी में और काट दे, अगर अगर यही बात मान लो एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है एक त्रिभुज है, एडी इसकी माध्यिका है, एरिया टोटल का एबीसी त्रिभुज एबीसी का एरिया दे दिया मान लो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी माध्यिका एक मान लो ई है और यहीं से कोई माध्यिका मान लो एफ है, तो आपसे ई एफ ए का मान पूछ दे, त्रिभुज ई एफ ए का मान बता दो एरिया, आप क्या करोगे 10 मिनट और आप देखिए ज्यादा हो गया, अच्छा दे चलिए देखिए आप क्या करेंगे, ए पूरा 72 है तो आप बताओ अगर आधे आधे की बात करेंगे बच्चे तो ए 36 हो जाएगा और ए टोटल का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अब इस आधे की बात करो तो ए 36 है तो ए कितना हो जाएगा 18 और 18 हो जाएगा, अगर ए 36 है तो कितना हो जाएगा 18 और 18 हो जाएगा, अगर बात करते हैं कि ए भी इसकी माध्यिका है तो ए 9 और 9 हो जाएगा, क्लियर हो गई, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं।
अब माध्यिका का क्षेत्रफल जो हमको निकालना होगा वो हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी दिमाग में रख लो, माध्यिका निकालने की बहुत ही, माध्यिकाओं का क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं, किसका बच्चे, माध्यिकाओं का क्षेत्रफल तब कैसे निकालते हैं वो बात देखो। यह चूंकि यह रेशियो जो होती है यह कितनी रेशियो होती है, दो के रेशियो में या एक की रेशियो में, तो दो एक तीन, टोटल तीन हो जाता है। यहां से रेशियो दो रेशियो एक का होता है, यहां से भी रेशियो कितना होता है, तो दो रेशियो एक का होता है। इस माध्यिका को मैं एम वन नाम दे रहा हूं, इस माध्यिका को मैं एम टू नाम दे रहा हूं, इस माध्यिका को मैं एम थ्री नाम दे रहा हूं। तो यहां से जो माध्यिकाओं का क्षेत्रफल निकालते हो, माध्यिकाओं का परिमाप, माध्यिकाओं का परिमाप वो क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री बाई टू हो जाएगा। अगर माध्यिकाओं का क्षेत्रफल आपसे पूछ दे माध्यिकाओं का क्षेत्रफल, तो चार बटे तीन अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी की जगह एम वन, मैं ऐसे रख देता हूं एम वन एम टू और एम थ्री होता है। अगर माध्यिकाओं का आपसे क्षेत्रफल पूछता है, मैंने सर पीएचडी कर रहा हूं फिजिक्स से, इसलिए बहुत दिन से ये पढ़ा नहीं, इसलिए भूल गया हूं, आप पढ़ा रहे हैं तो याद आता जा रहा है। अच्छा धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा बताइए, ये चीजें आपको समझ में आई क्या मैं कह रहा हूं? एबीसी का क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे? देखिए अब मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि माध्यिकाओं का क्षेत्रफल आपसे जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। माध्यिकाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, चार बटे तीन यस यस माइनस यस माइनस ए नहीं यस माइनस एम वन, वही ए बी सी डी भी मान सकते हो उसको, माध्यिका को अगर ए बी सी मान लें तब भी यस माइनस एम वन और यस माइनस एम टू और यस माइनस एम थ्री हम कर लेंगे। बोलिए एस माइनस एम वन एस माइनस एम टू एस माइनस एम थ्री भी हम कर लेंगे, क्या करें ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न ले रहा हूं कि एम वन का मान 9 एम टू का मान 12 और एम थ्री का मान 15 मैंने ले लिया, ये समकोण त्रिभुज पे है, किस पर है भाई, 9 12 15 144 81 वही 225 का मैटर है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आप जानते हो हाफ इंटू बेस, बेस यानी 9 इंटू हाइट माने 12 और गुणा 4 बटा 3 कर दोगे तो माध्यिका की लंबाई निकल जाएगी 3 तरीका 9 2 छक्का 12 3 छक्का 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी बात को उसी में रख दो तब भी वही निकलेगा, 4 बटे 3 करके देख लेना। यही बात अगर यहां भी रखोगे, अगर यही बात यहां भी रखोगे फिर भी क्या मिलेगा आपको, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग मिलेगा। यानी कहने का मतलब यदि हम इस बात को समझें तो समकोण में, यदि बात समझें तो समकोण त्रिभुज में भाई 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 225 हो जाएगा 15 का, 144 प्लस 81 करोगे तो देखो समकोण के लिए क्या लगा देंगे हम, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के माध्यिकाओं का क्षेत्रफल क्या लगाओगे, 4 बटे 3 इंटू 1 बटा 2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो किसी भी का भी निकालना हो अगर माध्यिकाओं का क्षेत्रफल तो आप लगाओगे 4 बटे 3 इंटू यस यस माइनस एम वन यस माइनस एम टू और यस माइनस एम थ्री, और अगर आपको समकोण त्रिभुज के माध्यिकाओं का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल 4 बटे 3 लगा देना, बाकी क्षेत्रफल तो जानते ही हो कि 1 बटा 2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया?
इसके बाद थोड़ी सी बात आपको सेंट्रॉयड का बता दें, बस 5 मिनट सर, सेंट्रॉयड खत्म कर दें, केंद्रक हो जाएगा ना, केंद्रक से एक प्रश्न आता है उसी केंद्रक की उसी पे चर्चा हम करेंगे केवल। सर ये क्लास मैथ प्राइमरी सुपर टेट सबके लिए है, सबके लिए। चलिए ए माध्यिका की बात हो गई आपसे, मैंने माध्यिका आपको समझाया, आप एक बार रिवाइज करके देख लेंगे तो पूरी माध्यिका आपको कंफर्म हो जाएगी, पूरी माध्यिका आपको कंफर्म हो जाएगी अगर इसको आप एक बार सर ये क्लास कब से स्टार्ट है, फुल चैप्टर आज ही पढ़ा जाएगा क्या प्लीज। हाँ लगभग लगभग पहुंच गया हूं खत्म होने के कगार पे। पूरा लगभग हो गया है, बस एक बात और आपको बतानी रह गई है सेंट्रॉयड के बारे में, बाकी चीजें जो बची रहेंगी वो आपको सवाल के थ्रू समझा दी जाएंगी। केंद्रक के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि इस पर एक प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है। देखो एक त्रिभुज एबीसी है और ए मान लो सेंटर में 2:1 काटता है, ए बी सी, सी के बाद ए डी हो गया, ए एफ हो गया, ये ई हो गया, यह अपने को बराबर अनुपात में बांटता है, यानी एक 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 और एक और एक। तो कई बार केवल इससे यह बात पूछी गई है, केवल इतनी बात पूछी गई है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एबीसी का एरिया, एबीसी के क्षेत्रफल शायद 72 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया था, तो 72 सेंटीमीटर दिया गया तथा उसका सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड दे दिया गया था इस तरीके से। तो आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज बीजीडी का मान, बीजीडी का मान क्या, बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई। तो अगर आप केंद्रक के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं केंद्रक के बारे में आप जानते हैं, तो आप ये जानेंगे केंद्रक कितनी भागों में इसको बांटा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 की वैल्यू सवाल में, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 72, एक की वैल्यू कितनी हो गई 12, एक की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब आपसे क्या पूछा था, बी जी डी का मान पूछा था, तो बी और जी और डी क्या है, ये वाला, यानी एक की वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। कई बार ए दो तीन की चतुर्भुज का पूरा पूछ देता है, इस पूरे चतुर्भुज का, देखो ए वाला, तो एक चतुर्भुज दो त्रिभुज से बनकर मिला है, ये देखो 1, 1, 2, अगर एक की वैल्यू 12 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये भी बात आपसे कई बार पूछा गया है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक त्रिभुज मैं इस तरीके से खींच दूं, एबीसी, और यह किसी बिंदु पर जाके मिले, यह भी किसी बिंदु पर जाकर मिले, तो ए तो यहां से जो निकलता है तो 2x होगा, ए रेशियो x हो जाएगा, और इधर वाला रेशियो 2y होगा, इधर वाला रेशियो y होगा, ठीक है। तो यहां पर भी मान लो बी ई और सी एफ हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, देखिए ये भी हम समकोण त्रिभुज से ही निकालते हैं, किससे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज से निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका निकालेंगे, तो ए चूंकि आधे पे हो जाता है सेंट्रॉयड, तो यह क्या हो जाएगा, ई सी बाई टू हो जाएगा या सी बाई टू हो जाएगा, और इधर की वैल्यू हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एफ बाई टू हो जाएगा। अब देखें ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा। अगर ये 90 का बनता है तो बताओ 90 में बनाओगे तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगा, एक इधर से भी बन जाएगा, देखो अब यह वाला कर्ण हो गया तुम्हारा और यह तुम्हारा लंब या आधार मान लो, चाहे दोनों को मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर
प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई सी बाई टू का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। अच्छा, थियरी डायरेक्ट जा रहे होंगे तो उत्तर अपने आप निकालो इसे। देखो तो यहां से ये हो गया समीकरण एक मान लो, इसमें भी देखो तो यहां पर टू वाई का स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां से बी एफ बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। अब ये देखो यहां से हो गया चार एक्स स्क्वायर और ये चार वाई स्क्वायर, ठीक है, चार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई सी बाई टू का होल स्क्वायर यानी ई सी बाई फोर हो जाएगा। और यहां पर क्या हो गया, फोर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर बटे चार हो गया। अब बताओ इसको जोड़ दोगे तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं, इधर लिख दोगे तो हो जाएगा पांच वाई स्क्वायर या पांच एक्स स्क्वायर प्लस पांच, जोड़ने पर पांच वाई स्क्वायर बराबर उधर क्या हो जाएगा ई सी प्लस बी एफ बाई फोर का उधर स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। पांच यहां से यदि हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर का क्या हो जाएगा ई सी प्लस स्क्वायर बटे चार। तो ये भी एक क्या है, थियरी, अगर ऐसे कैटेगरी हुई है। तो ये सेंट्रॉयड की कुछ बातें रही दोस्तों। सेंट्रॉयड में इतना लंबा आप में कुछ आता नहीं, जो आप में आएगा वो नॉर्मल सा प्रश्न आता है। इतनी थियरी आज की क्लास में बहुत है। अगली क्लास में हम अगर वो करेंगे प्रयास तो आपको पूरे सवालों पर, मतलब पूरे थियरी पर आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जितना भी मुझे लगा क्वेश्चन कराना चाहिए मैंने आपको कराया, ठीक है। मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूं, क्या उसमें भी काम आएगा? काम तो सब में आएगा सर, शंकु गोला कब पढ़ाएंगे? अगले नेक्स्ट रविवार पढ़ा दूंगा। चलो शंकु गोला सब पढ़ा देंगे हम, ठीक है। मेंसुरेशन की अगली क्लास मेरी रहेगी, आज की क्लास यहीं तक रखता हूं क्योंकि तुम लोग भी ऊब गए हो, देख रहा हूं 29 तक पहुंच गए हो। पहले कहोगे तेज पढ़ाओ, जब तेज पढ़ाऊंगा तो सर ये फ्री क्लास है या पेड? ये फ्री है। चलिए सर, चला जाए, आज की क्लास आधे समाप्त हो जाती है। हाँ लीजिए सर, आए हैं आप, बात करिए। सर क्या हमें बात करना है, ये लोग खुद ही तेज आदमी है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। एक फिलहाल ही एक लंबी और बड़ी क्लास हमने जोड़ती है समाप्त की है। और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं सर, खेत में नहीं, और आप सर रेस के घोड़े हैं। आप लोगों का जो प्यार होगा, आप लोगों का जो साथ होगा, जितना ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएंगे और सर को भी खुशी मिलेगी कि अगली बार और बेहतर लेकर आए। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि चार से पांच वीडियो लेक्चर में संपूर्ण सर मैथमेटिक्स समाप्त करने का, तो चार पांच वीडियो लेक्चर में संपूर्ण मैथमेटिक्स समाप्त करने का। और आपने भी देखा होगा कि ध्वनि जैसे विषय को जो प्राय जो किताब के सवाल लेकर बोल बोल के पढ़ाते, और सर ने आपको लाइव सेशन में पढ़ाया, एक बड़ी बात रही क्योंकि हजारों में लंबी यात्रा छोड़े कदम शुरुआत होते हो, कदम आज अजीब और अक्का है। फिर मिलते कुछ और विषयों के मैराथन क्लास के साथ। आप लोग अपना और साथ ही बनाए रखिएगा। यकीनन ये लर्निंग विद दुर्गेश एज ए मैं भी एज ए गेस्ट ग्रुप में सर लोग भी अपना बेहतर दे रहे हैं और आगे भी बेहतर देते रहेंगे। और का कोई पैमाना नहीं है जब तक आप सफल ना हो जाए, बस एक ही पैमाना है नापने का, वो आपकी मेहनत, जितनी कोई मेहनत होगी किस्मत भी आपके सामने चीज नवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने के लिए वीडियो आपके लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये स्पेशल रहा आज का संडे, आपके लिए और ज़्यादा स्पेशल करेगा। और लगे रहिए बेहतर बेहतर रहेगा, ये मैराथन क्लास आप सभी को सरकारी शिक्षक बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगी। बहुत सारा सर ने टिप्स भी बताए सर, आपने बताया। चलिए कोई सवाल तो नहीं है, मैंने पूरा ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया है। फिर भी और कोई सवाल तो नहीं है आपके मन में? ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।